Hi guys, how are you doing? Hope you are doing good. For now, welcome to our YouTube channel Crank Gaming YT. We are back again with guys Sarka Advanced Screams. और थोड़ी देर में actually room चालू हो जाएगा. एक कुछ issue की वजह से मुझे live आने में थोड़ा सा देर हुआ है यहाँ पे. But कोई दिक्कत नहीं. सीधा हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे match के अंदर. Teams का overview बाद में कर लेंगे थोड़ी. But teams तो बाद में समझ आ जाएंगी. वैसे भी plane के trajectory की बात करें तो यहाँ पे नोवो से चालू होकर सवर्ने में खत्म हो रहा है. एग्रेसिव प्लेन पाथ तो नहीं बोल सकते क्योंकि एक दो ही हॉट ड्रॉप्स को इंक्लूड कर रहा है. बट ऑब्वियसली बट कोई भी एग्रेसिव गेम प्ले तो रखा नहीं है ज़्यादा वैसे भी स्टार्टिंग में. तो या इट्स अ काइंड ऑफ यू नो ठीक ठाक ही प्लेन पाथ बोल सकते हैं. यहाँ पे देखते कौन सी स्क्वाड यहाँ पे कौन सा शॉट स्पॉट सिलेक्ट करती है यहाँ पे लैंडिंग पोजिशन के लिए. जेस्टर चालू करो. यस ब्रो चालू हो गया जेस्टर मेरे भाई. थैंक यू फॉर बींग ऑन द चैट. एक मिनट ये मुझे यहाँ पे लाइव शॉट नहीं दिख रहा है एक्चुअली टाइम बिंग पे. मेरा आईपैड लीड नहीं कर रहा है. ओके यहाँ पे मिल्टा पावर में हमें देखने को मिल रही है एक्सल नाइट्स ऑफिशियल की स्क्वाड. टीम नंबर 25 मूविंग टूवर्ड्स चैट से नोवो भी निकल सकते हैं या फिर मिल्टा फार्म कहीं भी जा सकते हैं देखना पड़ेगा हमें. टीम नंबर 8 जा रही है यहाँ पे शायद से लिपोका की तरफ. टीम नंबर 25 पीपल आर आई गेस गेटिंग कंपाउंड्स अराउंड ओनली मिल्टा पावर. टीम 2EG4 की स्क्वाड है वो शायद से मिल्टा की तरफ बढ़ मिलिट्री की तरफ बढ़ सकते हैं यहाँ पे. आगे टीम नंबर 12 की बात करें तो शायद से मैंशन लेगा या फिर यासना पोलियाना निकल सकते हैं वो लोग. टीम नंबर 13 जो कि यूनिक की टीम और हमें यहाँ पे टीएमएस की टीम देखने को मिल रही है वो लोग छोटे छोटे कंपाउंड पे होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं शायद से. टीम नंबर 11 15 एंड 10 है. 11 तो 7 की तरफ बढ़ रही है एग्रेसिवली. 15 एंड 10 आई गेस मूविंग टुवर्ड्स दी जॉर्जो सिटी भी जा सकते हैं या जॉर्जो पुल कंटेनर भी जा सकते हैं गाइस. यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता फिलहाल. स्कूल में हमें देखने को मिल रहा है टीम 22 टीम 16 भी देखने को मिल रहा है. पूछिंग के साथ से हमें टीम 23 देखने मिल सकता है. 14 और ये लोग तो आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पे मिल्टा में ब्लिंक हुआ है शायद से. यहाँ पे व्हीकल के लिए फाइट हो रहा है. नोवो जाने के लिए लोग व्हीकल पिकअप करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. बट देखते हैं यहाँ पे टीम नंबर 7 के भी बंदे और यहाँ पे डिफ्यूज की स्क्वाड देखने को मिल रही है गाइस. डिफ्यूज वर्सेस 2EG4 की फाइट हम यहाँ पे देखने को मिल सकती है. वहां पे टीएमएस के शॉट ने रीच के कर्मा ओपी को गाइस कर दिया है डाउन वीएसएस का शॉट देके. ओके काफी ज्यादा यहाँ पे फाइट्स देखने को मिल रही है और सर्कल काफी अनप्रेडिक्टेबल जगह पे बना है. यहाँ पे डिफ्यूज से स्क्राइडर ओपी फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं. ओके गाइस देखते हैं एक मिनट आगे जब बढ़ते हैं थोड़ा सा रूम में प्रोसीड करते हैं. ओके यहाँ पे ही फाइट हो रहा है 2EG4 का मेनियक भी है यहीं पे. कोई तो डीगल की आवाज़ आ रही है मुझे कहीं पे शायद से न्यूक चला रहे थे वो. मेनियक को देखते हैं एक बार स्पेक करके. नहीं मेनियक और मैन तो काफ़ी दूर है यहाँ पे फिलहाल. नितिन को स्पेक करके देखते हैं. नितिन भी काफ़ी पीछे आसपास नहीं है बिल्कुल भी. देखते हैं गाइस कहाँ पे मूवमेंट डालते हैं ये लोग. टीम डिफ्यूज है यहाँ पे अटकी हुई फिलहाल. अटकी हुई पोजिशन में तो नहीं बोल सकते एटलास्ट मूवमेंट पे कुछ भी हो सकता है. सो यस देखते थोड़ा आगे जाके यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें. टीम नंबर है यहाँ पे 23 यहाँ पे फाइट ब्लिंक हो रही है थोड़ी सी. टीम आरएल की स्क्वाड है अलॉन्ग विद टीम नंबर 6. टीम 6 में शायद से दो ही बंदे होने वाले क्योंकि पूरी स्क्वाड ज्वाइन नहीं हुई थी. ओके तीन बंदे हैं. जेज की स्क्वाड है यहाँ पे गाइस. जिला को मिली हुई है यहाँ पे डीगल और दो शॉट गन्स है. क्या यार व्हाट इज विद शॉट गन्स. रेड लाइन्स कल तो काफी ओपी गेम प्ले दिखा था गाइस लोग ने. देखते हैं क्या वही स्ट्रीक यहाँ पे फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. एक मिनट गाइस बस मॉडरेटर्स का कुछ मैसेज आया यहाँ पे. बाकी बंदे देखते हैं यहाँ पे रॉल वगैरह आगे हैं. रॉल ही थे जिन्होंने क्लच 1v3 किया था कल टीम ओरिजिन के सामने. बट लेट्स सी क्या यहाँ पे वही
यार यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, एक मिनट आ गाइस बस, मुझे मैं लाइव नहीं दिख रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट यार देखना पड़ेगा एक बार। एक मिनट आ गाइस बस, ओके यहाँ पे आरएल के रॉल है, वेलनहार्ट को एक बार स्पिक करके देखते हैं, अगर वो कहीं टीम जेज के बंदों के ऊपर एंगल बनाते हैं, एंगल तो बनाए रखा है, फजी बनी भी निकलने की कोशिश कर रही है, बट फजी बनी को पता होना चाहिए सामने जेज के कैप्टन है, वैसे देखा जाए तो काफी दूर है, अभी तक क्लोजिंग नहीं किया वो लोग ने, सो लेट सी गाइज हाउ इट गोज, इतने जल्दी तो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ऑन पॉइंट। नेक्स्ट दो मिनट मेरे थोड़ा सा ध्यान रख, दो सेकंड के लिए यहाँ पे मॉडरेटर्स के ऊपर है, मॉडरेटर्स कुछ बात कर रहे टूर्नामेंट के, इसके लिए बाकी कुछ नहीं, ओके यहाँ पे दिख रहा है अभी हम लाइव, तो हमें लाइव रिप्लाई भी आ जाएगा गाइज यहाँ पे। अगेन गाइज इफ यू आर न्यू टू द स्ट्रीम डू मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, बट ऑब्वियसली तो नहीं तो आप पे डिपेंड करता है गाइज। ओके यहाँ पे देखते हैं कहीं और अगर फाइट हो रही है तो, प्रेडिक्टेड साइड्स पे फिलहाल यही तो कोई जोक नहीं देखने को मिल रहे हैं। M4 का शॉट सा है यहाँ पे, शायद से आयन विस पोकर ने वहाँ पे उठाई हुई है M4, क्योंकि उसी डायरेक्शन से थोड़े से शॉट्स आने की वॉइस आई थी। देखते हैं यहाँ पे कैप्टन क्या कर रहे हैं, और हिंदू को भी एक बार देख लेते हैं। हिंदू, ओके दैट वाज हिंदू नॉट कैप्टन, स्मोकर नहीं थे वो, हिंदू थे। फजी बनी यहाँ पे शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू ने M4 से ट्रेड करने की कोशिश की यहाँ पे, यहाँ पे तो फिलहाल गाइस फाइट एक्सपेक्टेड है बट कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पे आया फ्लेयर ड्रॉप, एक फाइव की गन हो गया और एक DBS है, ओके फाइव की नहीं थी, सेवन की गन थी और एक DBS आ चुके हैं यहाँ पे। RL के झिला ने वहाँ पे हिंदू को कर दिया है, नॉक पुचिंग के में इतने देर था और दो सेकंड के लिए क्या गया और यहाँ पे फाइट हो गई। मेनियक ने वहाँ पे H2 के इधरा को ओपी कर दिया गाइज, मिल्टा की फाइट हो रही है गाइज यहाँ पे टीम नंबर 7 और 21 के बीच में। मैं को देख रहा हूँ एक बार क्या करते हैं यहाँ पे, डिफ्यूज के एक बंदा नॉक है, रश करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, विशाल भी नॉक पड़े वहाँ पे, आए उनके रेज ने रश कर दिया गाइज, मेनियक ने यहाँ पे विशाल को भी नॉक कर दिया। स्लेडर इज द लास्ट गाइज स्टैंडिंग, अपने टीम के आखिरी उम्मीद है, देखते हैं अगर यहाँ पे बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते, नहीं टीम को ऊपर रश करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पीछे से न्यूक का कवर फायर आते हुए और यहाँ पे टीम जेज मैच के बाहर। डिफ्यूज गाइज यहाँ पे हो गए मैच के बाहर। एक मिनट कौन सी टीम बची हुई है, 2EG4 की टीम बची है, राइट डिफ्यूज के बंदे गए बाहर, जेज की स्क्वाड तो वहाँ पोचिंग की में थी, राइट वो मेरा उसी में ध्यान लग गया, कोई बात नहीं गाइज होता है ऐसे, मोटे बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है गाइज। अगेन जो भी गाइज नया है सबका स्ट्रीम पर स्वागत है हमारी, अगेन इफ यू आर न्यू डू मेक श्योर हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग विच मोटिवेट्स मी टू ब्रिंक यू विद न्यू कंटेंट। ओके गाइज देखते हैं जेज के हिंदू को तो रिपेयर मिल गया है यहाँ पे फिलहाल, तो 20 HP सर्वाइव कर रहे हैं शायद से, वहाँ पे बैंडेजेस चिपकाई होगी, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा यहाँ पे RL के झीला को, क्योंकि एक गलत मूव और पूरी टीम यहाँ पे दिक्कत में आ सकती है गाइज। हिंदू फिलहाल आ गए जून के अंदर और रिवाइव भी कर रहे हैं खुद को, आराम से बैंडेजेस चिपका रहे हैं यहाँ पे, कैप्टन भी है यहाँ पे, दोनों ने एक एक एंगल होल्ड करके रखा और कैप्टन थोड़ा झीला के जस्ट आगे वाले घर पे यहाँ पे शायद से आवाज़ सुन लिया यहाँ पे झीला की इनके, क्योंकि इनके आगे और ऑडियबल तो समझ ही जाओगे, अगर आप काफ़ी टाइम से खेल रहे हो पबजी तो आपको इतना तो समझ में आता है कि बंदा छत पे या फिर घर पे बैठा हुआ है। अगेन गाइस थोड़ा आगे मूविंग करने की कोशिश करते हैं, फिलहाल यहाँ पे तो कोई एक्सपेक्टेड फाइट नहीं दिख रही, टीम 14 की फाइट हो रही है शायद, ओके शॉट्स ट्रेड हुए थे इनके ऊपर, शायद टीम जेज यहाँ पे शॉट्स ट्रेड करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे। अपार्टमेंट्स और स्कूल में थोड़ी सी नोकझोंक देखने को मिल सकती है गाइस, चीकू D12 की स्क्वाड है अपार्टमेंट से, यहाँ पे शॉट्स आ रहे हैं इनके ऊपर, अगर नॉक हो जाते तो यहाँ दिक्कत बन सकती थी, मैं जरा ड्रॉप के ऊपर जाके आता हूँ वरना वो बार बार ना स्क्रीन पे आते रहेगा गाइस। यस यहाँ से निकल जाते हैं अभी वापस टीम नंबर 23 आल जिला के ऊपर जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई अगर किल विल निकल आता है तो, फिलहाल तो कोई फाइट का एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, सारी की सारी स्क्वाड जो है वो चिल खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फिलहाल वेलनहार्ट लेफ्ट से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, अगर रोटेट में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वेलनहार्ट यहाँ पे नॉक हो जाएंगे तो रिवाइव का कोई भी चांस नहीं बनेगा गाइज। अगेन गाइस थोड़ा और आगे मूव करके देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट गाइस, ओके टीम TMS के बंदों ने स्पॉट किया था इनको, जो पोचिंग के पीछे बान हाउस में आ चुके थे, वेलनहार्ट को स्पॉट कर दिया था, नॉक होते होते बच गए यहाँ पे, बट रिफ्रेन कर लिया खुद को वहां से वापस एक बार, देखता हूँ थोड़ा आगे जाके यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। कर्मा की स्क्वाड है यहाँ पे, शायद से गर्ल्स लाइनअप है, ग्लीस ऐसा नो रहा, यस दिस इज अ गर्ल्स लाइनअप फ्रॉम कर्मा। ओके यहाँ पे टीम 22 की फाइट हो रही है, जो 16 नंबर के बंदे यहाँ पे शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे चीकू के ऊपर, वो ओके मास्टर मूव थे यहाँ पे पड़े हुए, नॉक वेयर हाउस पे रश कर रहे हैं, DMA क्या हाइपर जो है वो पुश इन दे रहे आगे,
देखने को बनने को मिलेगा गाइस, क्या यहाँ पे टीम नंबर 22 सर्वाइव कर पाती है अगेंस्ट टीम नंबर 1 हाइस्क बर्लिन ने। वहाँ पे फिलहाल ओएमए के आर्केन को कर दिया है नॉक, मास्टर मोहित भी नॉक पड़ा है, उनको रिवर्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हाइपर के ऊपर शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे चीकू, बट वहाँ पे हो गए, फिर हाइपर आ रहे हैं अंदर और यहाँ पे देखते हैं यूजी वर्सेस एकेएम क्या सीन देखने को मिलता है गाइस। M16 वर्सेस कारल, इट इज नाउ एम में काफी ज्यादा चोक कर रहे हैं, पैनिक सिचुएशन है इसके लिए, चोक कर रही है यहाँ पे चीकू, कर रहा है कर रही है, आई डोंट नो क्योंकि नाम से तो पता नहीं चल रहा है जेंडर क्या है, इट डजंट इवन मैटर, बट या जस्ट तो मैं काफी इजीली बोल जाऊंगा तो इसके हिसाब से मैंने देखा। यहाँ पे टीम नंबर 22 के ऊपर आया है, यहाँ पे हाइस के बर्लम भी आ चुके हैं ऊपर ही है इनके, एक बंदा ओएमए का जो पीछे कूद गया है फिलहाल, जैसे कि वॉइस सुन सकते हैं पीछे से, और एक बंदा रोटेट दे रहा है यहाँ पे टीम नंबर 16 का, D12 के सट्टू कहाँ पे भाई, सारे बंदे आ गए। ओएमए के राज ने यहाँ पे चीकू को कर दिया नॉक इन्होंने, बट ऑब्वियसली वॉइस सुना होगा और उसी हिसाब से कर दिया है पुशिंग। यहाँ पे हाइस के बर्लिन को देखते हैं गाइस, ओके हाइस के बर्लिन यहाँ पे 20 HP सर्वाइव कर रहे हैं, अंदर है मास्टर मोहित, AKM वर्सेस उजी यहाँ पे नॉक कर दिया है सौरव वाइटी ने मास्टर मोहित को भी, D12 के सट्टू जलास गाइस स्टैंडिंग, एक बंदा कर दिया नॉक, पीछे से आए राज, और फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, रिलोड करके पुश करने की कोशिश करेंगे उजी वर्सेस AKM, बट ऑब्वियसली नहीं हो गए सर्वाइव क्योंकि लिटरली 20 HP सर्वाइव कर रहे थे और यहाँ पे काम तमाम हो गया है स्क्वाड D12 का यहाँ पे। ओके थोड़ा आगे जाके देखते हैं सवर्णी में, यहाँ पे टीम मिथ कहीं नहीं दिख रही मुझे, यहाँ पे मिथ के स्क्वाड कहाँ पे, डोंट टेल मी दोज गाइस गॉट वाइप्ड आउट। ओके टीम 8 है, टीम 8 का है मिथ की टीम, ओके ओके लेट्स पिक देम फ्रॉम हियर ओनली। BTC सौरभ आई टी तो इजीली रिवाइव हो जाएंगे शायद से, ड्रॉप के ऊपर आए ये लोग, ओके ओके गैब्रियल है यहाँ पे, ड्रॉप लूट रहे, M249 मिली है हमको, राज भी खेल रहा है आज मॉन्स्टर भी, ओके जेज के कैप्टन ने फिलहाल RL के राहुल को कर दिया है नॉक, पुचिंग के में गाइस हमें एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे ही थर्ड पार्टी करने के लिए टीम TMS की पोटेंशियल भी बैठी है, रोल को इजीली रिवाइव मिल जाएगा वहाँ पे शायद से, क्योंकि पूरी स्क्वाड उनको बैकअप भी दे रही है वहाँ पे, तो सामने से टीम जेज को इतने जल्दी रश नहीं करने वाली। वेलन हार्ट है जो पीछे से DP का स्प्रे दे रहे थे, उनको ट्रेड कर रहे थे शॉट्स ताकि कोई भी बंदा है जो रश ना कर सके, और रोल जो है वो इजीली वहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे। स्कारल का स्प्रे लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ पे क्रॉस इन में पकड़ा तो जीला 2 सेकंड के लिए लेट हुए, एक और मिनट के लिए अगर वहाँ पे रखा होता अपना स्कोप ऑन तो जेज के हिंदू को शायद से अच्छा खासा डैमेज दे सकते थे। रॉल को यहाँ पे फिलहाल कोई पिकअप नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट द रीजन, रॉल शायद से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ओके रॉल काफी गलत जगह पे, उनको दे भी नहीं सकते, लेकिन जिला ने फिलहाल यहाँ पे कर लिया है कैप्टन को पिक ऑफ, आई डोंट थिंक सो रॉल यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि सामने वेलन आर्ट तो है, बट खुद की पोजीशन को ट्रेड करना वुडंट बी अ गुड डिसीजन फ्रॉम टीम पर्पस, बट ऑब्वियसली बंदा बचाने के पर्पस से वो काफी राइट डिसीजन लगेगा, बट जैसे कि मैंने बोला था गाइस टीम के हिसाब से वो प्रॉपर डिसीजन नहीं है एट ऑल। यहाँ पे वेलन हार्ट भी हो चुके हैं नॉक, रोल हो जाएगा पीछे, पीछे से आ चुकी है फजी बनी यहाँ पे, जो यहाँ पे खुद के टीममेट्स को रिवाइव करने की कोशिश करे, यही काम अगर वेलन हार्ट ने कर दिया होता तो सिचुएशन कुड हैव बीन डिफरेंट, बट अभी फिलहाल दो बंदे तो नॉक पड़े। राइट में यहाँ पे हिंदू ने रश कर दिया है, शायद से उनको सुनने की कोशिश कर रहे थे, वेलन हार्ट यहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे इजिली, लेकिन एनवी के स्मोकर भी आ चुके हैं और यहाँ पे कैप्टन भी है, तीनों बंदे रश करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू भी यही पे, उनको पता है यही पे एक बंदा TP पे ले रहा है, दे हैव टू प्ले इट केयरफुली, और यहाँ पे उजी वर्सेस M16 वुडन बी सर्वाइविंग, टीम RL यहाँ पे फिलहाल काफी गलत पोजीशन में अटकी हुई है गाइस, जिला इज द लास्ट होप फॉर द टीम जिनको कैप्टन ने स्पॉट कर लिया वहाँ पे, अगर जिला को 2 shots हो गए यहाँ पे पूरी की पूरी टीम वाइप हो जाएगी। जिला के हिंदू ने शॉट्स लेने की कोशिश कर दी, ऑलमोस्ट 0.5 HP पे लेके आए, हिंदू रश करेंगे यहाँ पे बट ऑब्वियसली M4 लेके, लेकिन कोई भी सर्वाइव का चांस नहीं यहाँ पे। टीम RL जिन्होंने कल काफी अच्छा परफॉर्म किया था फिलहाल मैच से बाहर होते, यहाँ पे TMS के शॉट ने OMA के राज को नॉक कर दिया गाइस, OMA के सौरव YT भी यहाँ पे नॉक हो गए, ये लोग निकल चुके थे पेचुंगी के बान हाउस से, और इन्होंने यहाँ पे टीम नंबर व्हाट वाज द टीम नंबर आई गेस, मैं इतना जल्दी देख नहीं पाएगा एक मिनट, टीम 16 को वाइप कर दिया, बट उन्होंने भी 4 kills निकाल लिया अपने खाते में, सोया सिचुएशन फिलहाल तो इवन है यहाँ पे, काफी सारे बंदे जोन में रोटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। टीम 11 की डायनेस्टी की वहाँ पे फाइट हो रही है गाइस, देखते हैं टीम नंबर 8 के साथ, टीम नंबर 8 कौन सी एक बार मैं देख लू यहाँ पे, ओके मिथ की टीम के स्क्वाड मिथ की टीम के साथ यहाँ पे फाइट हो रही है, देखते हैं गाइस कैसे सर्वाइवल कर पाती है यहाँ पे मिथ की टीम। मॉन्स्टर जो है फिलहाल शायद से फ्लैंक करते हुए दिख रहे हैं मुझे, वुडंट बी अ वाइज डिसीजन इन द कस्टम क्योंकि काफी ओपन से पुशिन देने की फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। गैब्रियल भी पीछे निकल चुका है, रियोगा भी शायद से फॉल बैक कर लेगा क्योंकि बान हाउस इज द सेफेस्ट प्लेस टू टेक फ्लाइट, कितना भी ट्रेड कर ले एक दूसरे को, कितना भी नॉक कर ले, बट एट लास्ट इज नॉट द सेफेस्ट पोजीशन टू पुशिन ऑन समवन। देखते हैं यहाँ पे
थोड़ा सा डैमेज दिया है वहाँ पे एस्ट्रोइड को, माफिया बीटीसी को देखते हैं यहाँ पे माफिया के एंगल होल्ड कर रहे हैं, हर एक बंदा एक एंगल पे होल्ड करके बैठा है फिलहाल डायनेस्टी गेमिंग की तरफ से। स्पार्क की एक एंगल होल्ड किया राइट से पूरी तरीके से, हमें एस्ट्रॉइड दिख रहे हैं और मिडल पोजीशन पे दोनों को सपोर्ट करने के लिए वहां पे है डीसी के जैक। एसकेएस वर्सेस कार 98 चल रही है गाइस, रूगा को पड़ा है यहाँ पे पटके, फिलहाल देखते हैं रूगा के एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे मुझे लगता तो नहीं है इतना जल्दी होना चाहिए, एक्चुअली एक किल एक नॉक तो अभी तक निकल जाना चाहिए था बट अभी तक निकला नहीं है, सो कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। व्हीकल्स तो पूरी तरीके से इन्होंने रेडी करके रखी है बट आई डोंट नो व्हाट यू गाइस ट्राइंग टू डू योर ईयर। देखते हैं गाइस अगर कोई नॉक यहाँ पे निकाल पाते हैं या नहीं पाते, तब तक थोड़ा आगे जाता हूँ देखता हूँ अगर जहाँ पे कोई प्रेडिक्टेड फाइट जगह पे हो रही है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे फिलहाल टू इजी की फोर शायद से सेवन ने आने की कोशिश कर रही है, यस यही से मूवमेंट डाल रहे हैं वो लोग, कंपाउंड होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि इट वुडंट बी वाइज डिसीजन। और वहाँ पे टीएमएस की फाइट आखिरकार हो गई है यूनिक से गाइस, काफी जल्दी हो रही है फाइट्स यहाँ पे, यूनिक्स के आइकॉनिक भी नॉक है, गॉन्जी बिल्कुल नहीं रुक रहे यहाँ पे, मैड बॉय इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर नेट डाला है, देखते हैं किसका नेट हिट होता है। यहाँ पे यूनिक मैड बॉय को लिटरली 30 एचपी पे लाके छोड़ा है, सूफी भी वहाँ पे नॉक पड़ा है, आइकॉनिक और कर्मा ओपी दोनों पहले ही पिक ऑफ हो चुके हैं। पीछे से आपसे आया शॉट, कोई दिक्कत नहीं, प्रोन होने की कोशिश की, काफी वाइज मूव थी, रिफ्लेक्स भी अच्छा दिखाया बट एट लास्ट यहाँ पे टीएमएस का शॉट निकाल के ले गया किल। अगेन गाइस देखते हैं यहाँ पे टीम मिथ, ओके मिथ को छोड़ दो फिलहाल, जाते हैं फिलहाल ये ड्रॉप के ऊपर, देखते हैं इसमें क्या है। मेरे हिसाब से बताया गाइस इसमें क्या होगा, 9 की गन सॉरी 5 की गन, बट ये ड्रॉप सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है भाई। ओके यहाँ पे ओरिजिन की स्क्वाड है, ओके ओरिजिन की स्पॉट भी आ चुके हैं यहाँ पे। डायनेस्टी को स्पेक्ट करके देखते हैं, इन्होंने भी राइट से फ्लैंक करने की कोशिश किया, इनको पड़े फटके। टीम नंबर 8 मॉन्स्टर जो है वो काफी राइट फ्लैंक कर चुके हैं पहले से, अभी पोजीशन है जहाँ से रियुगा और गैब्रियल और माफिया अपना कमाल दिखा सकते हैं, शायद से कोऑर्डिनेशन में कोई अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो यहाँ से आराम से किल निकल जाने चाहिए। अगेन गाइस सबका स्वागत है स्ट्रीम पर, आपके अपने चैनल पर क्राइम गेमिंग वाइटी। इफ यू गाइस डू लाइक द कंटेंट डू मेक श्योर यू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग विच मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग यू द न्यूएस्ट कंटेंट एंड ऑल्दो अ क्वालिटी कंटेंट, नॉट अ क्वांटिटी कंटेंट, अ क्वालिटी कंटेंट। ओके गाइस देखते हैं थोड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है, फिलहाल मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पे कोई फाइट होगी। टू इजी फोर की साथ चाहे उनके साथ फाइट हो रही है, यहाँ पे शॉट स्प्रेड करके हुए दिखे थे हमको दोनों टीम्स, टीम नंबर 12 है सामने इनके जो कि आयोन की टीम है शायद से, ओके चीफ की टीम है, आयोन की टीम नहीं है, आयोन की टीम सबसे 25 नंबर पे थी। ओके चीफ के डॉक्टर ड्रे थे यहाँ पे फ्रैक के, जाइनेड भी एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेनियाक के ऊपर, डेथ तो काफी पहले से डीपी से फायर करने की कोशिश कर रहे थे। बॉम्ब ओपी को देखते हैं इनके पास है स्कारेल, हाउ टू एनरोल फॉर दिस कस्टम्स। कुडोस गेमिंग आपको अगर डिस्क्रिप्शन में आपको देखो डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा उनका ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर का, आप वहां पे जाके मॉडरेटर से बहुत सारे उनसे बात कर सकते हो कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। इफ आप डिस्कॉर्ड से ज्यादा वाकिफ नहीं हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो @zharesports, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आपके लिए, अगर आप यहाँ पे फाइंड करते हो मुझे सो वेल एंड गुड, आप मुझे डीम कर दो डीएम, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दे दूंगा इंस्टाग्राम पे। ओके गाइस यहाँ पे टीम नंबर 18 एक्सटर्नल्स ऑफिशियल है फिलहाल, वो भी जोन में रोटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आया ड्रॉप डीबीएस, भाई ये तो पसंद नहीं है मुझे। ओके आयोन की स्क्वाड के यहाँ पे फिलहाल फाइट होते हुए, आयोन के बंदे जो कि टीम नंबर 25 अच्छा 2EZ4 के बंदों को नॉक करे यहाँ पे, मैंने फिलहाल नॉक पड़ा था और यहाँ पे M416 से रेज ओपी ने कर दिया है उनको कन्फर्म, क्या ही बोले गाइस ओपी गेम प्ले दिखाते हुए यहाँ पे सारी की सारी टीम्स। ओके टीम नंबर 11 और यहाँ पे फिलहाल हमें फाइट देखने को मिल रही है स्पार्की WNL जो है वो, इन्होंने तो पूरा चर्जिंग किया होगा क्योंकि 3v4 सिचुएशन हमेशा नहीं काम करते, और यहाँ पे मीत के माफिया बीटीसी ने डीसी से जैक को कर दिया है नॉक, एस्ट्रॉइड शायद से उनको रिवाइव दे रहे वहाँ पे, देखते हैं एस्ट्रॉइड यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पुशिंग तो आएगा बट ऑब्वियसली कोई भी नहीं रुकने वाला यहाँ पे, गैब्रियल वगैरह सब पुश कर रहे हैं यहाँ पे, वाइजली पुश करना पड़ेगा सबको, देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा गाइस। अगेन यहाँ पे एस्ट्रॉइड को कर दिया नॉक, मॉन्स्टर ने जैक इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग, आई डोंट थिंक सो टीम डिवाइन इज गोइंग टू सर्वाइव ओवर हियर, पुशिंग कर दिया पूरी तरीके से और यहाँ पे टीम मिथ ने अपने खाते में निकाले 3 किल्स गाइस, काफी ओपी गेम प्ले फ्रॉम टीम मिथ ओवर हियर। जाते थोड़ा आगे जोन श्रिंक हो चुका है और आगे टीएमएस की स्क्वाड फिलहाल बाहर है, रोटेशंस देना चालू हो जाएंगे गाइस हर एक स्क्वाड, नोरा जो कर्मा की स्क्वाड है जो जॉर्जो सिटी में गई थी पहले वो अभी तक जॉर्जो सिटी में ही है, देखते हैं थोड़ा आगे ये लोग आराम से निकलेंगे चिल करके क्योंकि जोन इनके ज्यादा पास में ही है तो इतनी उनको हिमाकत करने की कोई जरूरत नहीं है जोन में जाने के लिए। टीम एरोनाई फिलहाल तो जोन में दिख रही है हमें,
यस एक मिनट है गाइस, थोड़ा मॉडरेटर्स का मैसेज आया, लेट मी गेट दैट। यस ओपी टीम में यस बॉल तरफ से चीफ की भी स्क्वाड है वहां पे। ओके यहाँ पर सब रोटेशन देना चालू कर दिया, पीछे से चीफ की स्क्वाड भी रोटेशन देने पे फोकस करना पड़ेगा इनको, क्योंकि बहुत सी बार देख चुका हूँ मैं गाइस, इट्स नॉट न्यू टू मी दैट पूरी की पूरी स्क्वाड जो है वो जोन के वजह से, प्ले जोन के वजह से खत्म हो जाती है। अगेन गाइज आई एम ड्रॉपिंग माई कैरेक्टर आई डी, इफ यू वॉन्ट टू प्ले विथ मी, इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विथ मी, आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दो, हम मिलकर बिल्कुल खेलने की कोशिश करेंगे गाइज। यस गाइज कैरेक्टर आईडी मैंने ड्रॉप कर दिया, चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ओके एक्शन नाइट ने क्या एक्शन नाइट के बंदों ने चाचा आयोन के बंदों के ऊपर शॉट सेंड की कोशिश की थी, क्योंकि ये एज पे आ चुके हैं आयोन के बंदे, वहाँ पे रोटेशन देने की कोशिश कर रही है। टीम मिड भी यहाँ पे निकल चुकी है गाइज रोटेशन के लिए, काफी लंबा रोटेशन दे रहे हैं, वैसे देखा जाए तो इतना लंबे रोटेशन की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे इजिली जोन के अंदर मूव कर सकते थे। लेट्स सी कुछ उनका भी कुछ डिसीजन रहेगा। राइट पांडा गेमिंग मिड ओपी, यस बॉयज पांडा मेरी जान, कैसा है ब्रो, हाउ आर यू पांडा पांडे, अभी भी खेल के लिए रो रहा है क्या, आज खेलेंगे रात को ठीक है ब्रो, बीरो खेलेंगे बीरो, कल जैसा खेलेंगे बिल्कुल पांडा, वैसे मेरे जोक्स काफी घटिया होते हैं ना पांडा। ओके यहाँ पे देखता हूँ ड्रॉप में क्या, फाइव का गन तो होना चाहिए, सेवन का निकला भाई, बेइज्जती घोर बेइज्जती होती हुई यहाँ पे। ओके टीम मीत अभी तक रोटेट ही कर रही है वहां पे, प्लीज एक्सपेक्टेड टीम मीत वंस, यस ब्रो एक क्लच को निकल गया अभी, अच्छा शोएब है क्या, ओके काफी लंबा रोटेट किया इन्होंने, एक्चुअली नेसेसरी नहीं था इतना लंबा रोटेशन, बट सबका गेम सेंस अलग अलग होता है गाइस, सो एज देयर इज सबका एक एक पर्सनल ओपन होता है वैसे सबका अलग अलग है। ओके मॉन्स्टर होगा ये, बट ऑब्वियसली एसकेएस मॉन्स्टर चलाता है टीम मीत में आई। ओके रियुगा कब से एसकेएस चलाने लगा। ओके रियुगो ने वहां पे सीएफएच के बॉन्ग ओपी को नॉक कर दिया, एक्शन नाइट्स के बंदों को यहाँ पे स्प्लिट कर लिया, लेकिन ओरिजिन की स्क्वाड के यहाँ पे फाइट होते हुए ओरिजिन के ग्रीन ने यहाँ पे पैरानोनोवेटिक को भी कर दिया नॉक, टीम चीफ के दो बंदे पड़े यहाँ पे नॉक, सिचुएशन थोड़ी खराब, पीछे से रेन आ रहा है, फ्रैग भी है, झाइनाइड भी है वहां पे, ग्रीन ग्रोजा से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वाइपो झाइनाइड के लिए, देखते हैं गाइस क्या चल रहा है यहाँ पे, आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से झाइनाइड सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉलबैक करने का सोचा इन लोग ने, काफी वाइज डिसीजन बोलोगे, क्योंकि इस टाइम पे पोजीशन लाना इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट दैट शोइंग अप एन एग्रेशन। कल ही गाइस देखा था हम लोग ने जब टीम आरएल का एक बंदा बचा था जिन्होंने टीम ओरिजिन के खिलाफ वर्क किया था और यहाँ पे क्लच किया था लास्ट के जोन में, वो लिटरली आई सॉ एन उजी वर्सेस M249 इन देयर पांडा, हा 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 पांडा। अगेन गाइस इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू मेक श्योर यू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन बॉयज, और जो क्वारंटाइन पीरियड में आपके दोस्त नेटफ्लिक्स दे देख के पक गए उनको भी जरा लाव यार स्ट्रीम पे, एंटरटेनमेंट करने का पूरा जिम्मेदारी मेरा। एक्शन की स्क्वाड का एक बंदा चाचा नॉक हुआ था वहां पे, टीम एक्शन कहाँ पे रच करके बैठी। ओके आयो उनके बंदों के पास चली गई है चाचे, जैसे कि मैंने देखा वाइपर इज नॉक, मिरेकल एंड रहेगा ओपी एज अ टू गाइस स्टैंडिंग वहां पे किल फीड में, 2v4 के नितिन ने एक बंदा नॉक किया है गाइस, मयंक ने टीएमएस के शॉट को नॉक किया, रोटेशन दे रहे थे यहाँ पे लेकिन उनका रोटेशन काटा है, मयंक लिटरली सर्वाइविंग ऑन 1 HP, इनके सामने टीम नंबर 14 है और न्यू को भी यहाँ पे नॉक करते करते रह गए, लिटरली दो बंदे 10 HP सर्वाइव कर रहे हैं, इधर खुद को वेरी इजिली हील कर लेंगे, लेकिन टीएमएस के 14 के दो बंदे आई डोंट थिंक सो दे नॉक पड़े वहां पे, अगर जल्दी रश करते तो बचा भी लेंगे, अगर नहीं रश करते सो इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर टीम 14 टू गेट देयर ऑल प्लेयर। ओके यहाँ पे नितिन खुदा, यहाँ पे नितिन को कर देंगे नॉक, ओवर कमिटमेंट कर बैठे खुद के टीम के हिसाब से, तीन बंदे नॉक पड़े लेकिन गॉम जी यहाँ पे नितिन को कर लेंगे पिक ऑफ, ऐसे ही अभी देखा जाए तो टीम 2v4 के दो ही बंदे बचे, एक बंदा तो काफी पहले पिकअप हो गया था आई गेस मयंक वाज दैट, टीएमएस के शॉट को यहाँ पे पिकअप कर लिया मयंक ने, वो भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि बट ऑब्वियसली उनका एक बंदे को जस्ट पिकअप किया था, टीम नंबर व्यू लेने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ से स्पॉट हो जाता तो वेल एंड गुड रहता, बट शायद से आगे सभी टीम 14 का एक ही बंदा बचा एंड दैट हैज टू बी दैट गॉमजी राइट, जिन्होंने एक किल अभी जस्ट निकाला था। ओके यहाँ पे खुद के एक बंदे को बचा लिया उन्होंने, ही समहाउ मैनेज टू रिवाइव फ्यूरी इन हियर, और यहाँ पे गाइस 2v2 का सिचुएशन है, लेट्स सी कैसे डिसीजन लेते हैं, जोन को प्रेफरेंस देते हैं या फिर फाइट लेते हैं। मॉन्स्टर की स्क्वाड यहाँ पे फिलहाल टीम मीत के बंदे ले रहे हैं पीछे स्क्वाड हाउस के ऊपर एंगल बनाने की कोशिश करें, अगर एक दो बंदा नॉक हो जाएगा तो इट्स वेरी इजी एंड रिलायबल टू रश, बट अगर ऐसी स्लैमिंग आई डोंट थिंक सो करेंगे क्योंकि उनको भी उतनी अहमियत है। पीछे से आ रही है यहाँ पे कर्मा की गर्ल्स लाइनअप, देखते हैं गाइस। ओके रियुगा को स्पॉट कर लिया यहाँ पे ब्लीज ने, पूरी की पूरी स्क्वाड का वहां पे ध्यान है गाइस, एक मिनट है गाइस थोड़ा मॉडरेटर का कुछ मैसेज आया, आई एम गेटिंग बैक टू यू।
हाँ यस वी आर बैक। ओके ये लोग ने भी फाइट नहीं लिया, इन्होंने स्पेक करके रखा था शायद से लास्ट के जोन में फाइट लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अरुण है वर्सेस यहाँ पे टीम नंबर सिक्स, हो सकता है गाइस अरुण है के पीपल पहले ही जोन में आ चुके हैं, इनके सामने ही है टीम नंबर सिक्स के पीपल। टीएमएस की स्क्वाड यहाँ पे आते हुए अरुण है के कोंद्रा ने यहाँ पे एक एक सकोंद्रा ने नॉक करने की कोशिश की थी, जेनएक्स के डचेस ने वहाँ पे रूगा को नॉक कर लिया है गाइज, जेस के इंदू ने यहाँ पे टीएमएस के फ्यूरी ओपी को नॉक कर दिया है गाइज। दो टीम्स के बीच में यहाँ पे सैंडविच होते हुए अभी अभी एक पोजीशन से निकले थे, अभी अभी एक फाइट में से निकले थे और यहाँ पे आके दूसरी फाइट में एंगेज हो गए। वहाँ पे गोमजी इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग नाउ क्योंकि फ्यूरी को कर दिया कंफर्म और ये अभी पोजीशन के लिए खेलेंगे, आराम से रोटेशंस देते हुए खेलेंगे। यहाँ पे टीम मिथ का एक बंदा नॉक होकर गया था गाइस, देखते हैं क्या रियुगा को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा। यस रियुगा को रिवाइव मिल जाएगा, स्मोक करने की कोशिश चल रही है, देखते हैं टीम नंबर 20 के बंदों का क्या एंगल बन रहा है यहाँ पे। टीम नंबर 20 के बंदे का है ओके, जेनेक्स था जिसने यहाँ पे नॉक किया था डचिस, देखते हैं ओके जोन के आउट ऑफ द जोन हो गए, काफी ज्यादा फ्लैंक दिया था शायद से लंबा लेकिन अभी जोन का डैमेज सहना पड़ रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज, कर्मा की ब्लीच शॉट से शॉट लेने की कोशिश कर रही है, ओके इट्स नॉट ब्लीच इट्स नोरा, उनको पता है बंदे जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। कार 98 का एक बॉडी शॉट पड़ा है इनको क्योंकि वेस्ट जो है वो 75% डैमेज हो गई है, देखते हैं ओके। मैड क्लॉन वर्टी ने वहाँ पे मिथ के मॉन्स्टर को पिक ऑफ कर लिया गाइस, गलत सिचुएशन में वापस से टीम मिथ फंसते हुए, इन्होंने काफी गलत पोजीशन पे होल्ड रखा था, एक्चुअली सैंडविच पोजीशन में होल्ड डाला था इन्होंने बहुत पहले ही। देखते हैं यहाँ पे दो बंदे को नॉक हो गए, वहाँ पे गैब्रियल को भी कर दिया नॉक, मिथ माफिया इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग नाउ, लेट्स सी व्हाट डस टीम मिथ डस ओवर हियर। रुगा हो गया रिवाइव वहाँ पे इजीली, उनको तो कोई पड़ेगा नहीं, ओके मॉन्स्टर यहाँ पे बस पिक ऑफ हो गया। रुगा वहाँ से ऐसे कैसे शॉट लेने की कोशिश कर रहा है, आई डोंट थिंक सो रुगा का एक प्रॉपर डिसीजन है क्योंकि ऑलरेडी दो बंदे नॉक पड़े और एक नॉक अफोर्ड नहीं कर सकती यहाँ पे मिथ की टीम, एक और नॉक और ये मैप से ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि रीजन इस पीछे से आ रहा है, जोन 1:11 है आई नो बट रोटेशन देना चालू करना होगा, जितना लेट रोटेशन देंगे उतने ज़्यादा फाइट से फाइट अगर आती है मुँह पे तो फाइट नहीं ले पाएंगे, वहाँ पे उनको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वो जोन की तरफ निगलिजेंस दे तो। यहाँ पे ओरिजिन की स्क्वाड फिलहाल पोजीशन निकाल ली अपनी एक सर्कल में, अच्छा खासे कवर में भी है, दो व्हीकल्स इन्होंने पहले से स्लैम इन करके रख दिया है ताकि अगर कोई भी स्क्वाड आती है आसपास और रश करती है उन पे तो वेरी इजीली वो लोग कवर के अंदर आ सकते हैं। देखते गाइस थोड़ा आगे जाके अगेन गाइस साथ की वॉचिंग है, जल्दी से जल्दी जो नया है उन सबका वेलकम है गाइस, स्वागत है। और जितने भी बंदे हैं नए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो यार लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टीम मिथ के रोटेशन को देखते हैं, यहाँ पे मिथ की स्क्वाड फिलहाल जोन में रोटेशन देने की कोशिश कर रही है, दो स्क्वाड्स के बीच में से निकलने की कोशिश कर रही थी, ओरिजिन के एक बंदे ने यहाँ पे रूगा ओपी को नॉक कर दिया है, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे रुकना चाहिए गैब्रियल को, गैब्रियल क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे डबल डिसीजन हो गया है, यहाँ पे गैब्रियल उतर गए माफिया बिटी सी लेकिन रूगा को कर लिया है नेड से कन्फर्म, वहाँ पे गलत डिसीजन। जेज के कैप्टन है वहाँ पे अरुणाई के ग्वाइडे को नॉक कर दिया गाइस, देखते हैं नीचे भी फाइट हो रही है, लियो इज ऑल्सो नॉक, जेज की टीम भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है 2v4 स्क्वाड होने के बावजूद, यहाँ पे जेज के हिंदू है 3v4 खेल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक फॉर 2v4 हो गया। टीम नंबर 15 यहाँ पे फाइट ले रही है, नॉक करने की कोशिश कर रही है टीम 20 के ऊपर, यही टाइम है अगर इस टाइम पे टीम मिथ यहाँ पे रश कर देती है तो दिक्कत बन जाएगी यहाँ पे टीम ओरिजिन के लिए। बॉयज मैक ने वहाँ पे अरुणाई के मेंटल को नॉक कर दिया है, हिंदू ने वहाँ पे गोइडा को कंफर्म कर लिया है, मेंटल को कंफर्म कर लिया मैक ने, नियो ने यहाँ पे गोमजी को पिक ऑफ कर लिया, लास्ट बंदा बचा था टीम टीएमएस की तरफ से जो कि हो चुका है यहाँ पे पीएफ। और गाइस क्या ही ओके टीम मिथ क्लोजिंग कर दिया, ओरिजिन के बंदों का यहाँ पे ऐड आ चुका है कि पीछे से टीम मिथ ने क्लोज कर दिया, यहाँ पे एक मॉली उनके पत्थर के पीछे डालेंगे क्योंकि वो डिसीजन वो ज्यादा डिस्क्लोज है वो पत्थर और कवर भी थोड़ा ज्यादा डिस्क्लोज है। 2v4 के न्यूक को नॉक कर दिया वहाँ पे सकुंद्रा ने, ग्रीन ने यहाँ पे मयंक को पिक ऑफ कर लिया वहाँ पे, आई डोंट नो गाइज बहुत ज्यादा भसड़ मची पड़ी है यहाँ पे। स्वैट ने भी यहाँ पे आयरन विक स्मोकर को नॉक कर दिया है गाइज। टीम 18 को देखते हैं यहाँ पे गलत फाइट और गलत भसड़ देखने को मिल रही है टीम एक्सएन की तरफ से यहाँ पे, जेज की स्क्वाड भी दिक्कत में आ सकते हैं स्मोक निकल के अगर रोटेशन देना चालू कर दे तो, यहाँ पे वाइज डिसीजन रहेगा अदरवाइज दोना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा गाइस, थोड़ा देखना मुश्किल हो जाएगा। सीएफएच की स्क्वाड भी है यहाँ पे, देखते हैं सीएफएच की स्क्वाड क्या कर रही है यहाँ पे, ऊपर से फ्रैक्स के साइनेड ने भी नॉक कर दिया जो कि टीम 12 एयर ड्रॉप की वजह से यार मैं इनको देख नहीं पा रहा यार। ओके डेथ को देखता हूँ मैं यहाँ पे, साइनेड अपने आप दिख जाएगा आगे क्या पोजीशन पे होल्ड डाला है इन लोग ने। ओके आराम से जोन के बाहर लेटे हुए, आई डोंट थिंक सो वाइज डिसीजन है क्योंकि 41 सेकंड्स में 7 जोन श्रिंक होना चालू हो जाएगा। टीम मिथ के भी दो बंदे यहाँ पे बाहर बैठे पड़े, इनको भी रोटेशन देने में टाइम लगेगा गाइस। गौरवस गौतम ब्लेड प्रागा ईयर सर्जी, अरे ब्लेड मेरे भाई कैसा है ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम बॉय। अगर गाइस जो भी जितने भी नए बंदे सबका वेलकम है और अगर आपको कंटेंट पसंद आता तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
लव फ्रॉम पुचिंग गियर है भाई, लव फ्रॉम जॉर्ज पुलकर्मा की ब्लीस ने वहाँ पे झेच के कैप्टन को नॉक किया गाइस। टीम नंबर 20 है यहाँ पे। ओके टीम मीत के पास एक व्हीकल है, दैट्स सम गुड न्यूज इन एक्चुअली गुड न्यूज नहीं बोलूंगा, टीम मीत के फेथ में होने वाली एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि इसके पहले तो बहुत नॉक थे। चार चार लौंडे यहाँ पे बाइक के ऊपर पुचिंग कर रहे हैं, झेच की स्क्वाड नहीं छोड़ेगी। मीत के गैब्रियल को और माफिया को रेन ने उड़ा दिया यहाँ पे व्हीकल से। काफी टाइम लगा इनको, अगर पहले राइट में पुशिंग लगा देते थे तो थोड़ा तो चांस बन सकता था, बट राइट नाउ नहीं। ओरिजिन की स्क्वाड फिलहाल यहाँ पे काफी ओपी खेल रही है, 7 किल्स निकाले हैं इन्होंने। टीम नंबर 12 जो है वो फिलहाल राइट से निकलने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, शायद से इनको भी स्पॉट कर लिया है यहाँ पे न्यू ने, लेकिन पीछे न्यू ने डॉक्टर डेथ को नॉक कर दिया। यार मेरे को बुलेट का साउंड क्यों नहीं आया? ओके साइनेड इज द लास्ट गाय स्टैंडिंग नाउ, और वहाँ पे स्वैट ने वहाँ पे आयन के स्मोकर को नॉक कर दिया, एथियोपी ने वहाँ पे जेड के हिंदू को नॉक कर दिया, मैड क्लाउन व्हाइटी ने स्मोकर को पिक ऑफ कर लिया, और कैप्टन ने फिलहाल एक्सन के स्वॉट को वहाँ पे पिक ऑफ कर लिया। मैड क्लाउन व्हाइटी एंड फ्रैक्स नाइनाइड के बंदे हैं यहाँ पे, इजिली कर लेंगे यहाँ पे। देखते हैं सीएसएच के डॉक्टर रेड को रिवाइव करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टीम ओरिजिन काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए यहाँ पे। ओके अरुणा की साकुंदा भी बचे हुए वहां पे, शर्मा की ब्लीज भी और नोरा दो बची है अभी तक, दो जो गर्ल लाइनअप की गर्ल टीम्स की गर्ल मेंबर है, गर्ल टीम्स की गर्ल मेंबर है। वाह वाह क्रैंक वाह, काफी ओपी होता है गाइस, माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, गुस्से में नहीं बोलूंगा, यहाँ पे प्रेशराइज सिचुएशन में इधर उधर निकल जाता हूँ। जो दो गर्ल गेमर्स हैं हमारी नोरा और कर्मा, वो वहाँ पे विथस्टैंड कर रही है अभी तक, उनको थोड़ा अरुणाई के बंदे से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि वो वहीं पे था। अरुणाई का बंदा पिक ऑफ हो चुका है, एक मिनट। ओके साकुंद्रा को भी वहाँ पे पिक ऑफ कर लिया, ओरिजिन के साइड उनको अभी फ्लैंक करना पड़ रहा है। देखते हैं नोरा और इनका एंगल क्या बन रहा है, कैसे पुशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ओरिजिन की पूरी स्क्वाड व्हीकल के पीछे बैठी पड़ी है यहाँ पे, काफी किल्स निकाल चुके, 7 किल्स से 8 किल्स खुद कर नाम कर चुके, और यहाँ पे नियो को कर दिया है नॉक कर्मा के ब्लीस ने। नोरा पुशिंग करने की कोशिश कर रही है, ओवर कमेंटमेंट नहीं करना चाहिए यहाँ पे ब्लीस को, वरना नोरा यहाँ पे अकेली रह जाएंगी, बट काफी दिलेरी दिखाते हुए यहाँ पे ब्लीस ने एक किल निकाला है अपने टीम के लिए। नेड कर देंगे नोरा तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, एक दो बंदों का नॉक निकल सकता है, बट अगर यहाँ पे एक नेड नोरा के ऊपर आ जाए तो ब्लीस के लिए थोड़ा सा, जैसे ही मैंने बोला था गाइस एक नेड आई न्यू, क्योंकि वो वहां पे नॉक करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि गाड़ी ब्रॉड होती है, पेड़ पे नॉक करना इज एंड दैट गुड, बोला था गाइस। पोजीशन रिवील कर दी ब्लीस के लिए, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा वहां पे। ओके 4-3-7-10 किल तो टीम ओरिजिन निकल चुकी है गाइस, दो ही टीम बची है, 6 पीपल इन द रूम, 4 बंदे है यहाँ पे ओरिजिन के और साइनेड एंड चीफ के, दो ही बंदे आर द लास्ट 2 पीपल यहाँ पे। अगर नो नेड्स वगैरह थ्रो करते हैं, एक दो बंदे नॉक करते हैं तो कुछ पोजीशन बन सकती है, वैसे तो ऐसे भी बन सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि 4 बंदे बचे तो वही जीत जाए, क्योंकि कल ही हमने देखा था जब आरएल के बंदों ने क्लच किया था अगेंस्ट टीम ओरिजिन इटसेल्फ, एक बंदे ने 1v3 किया था यहाँ पे, डॉक्टर डेथ को कर दिया वापिस नॉक, आई डोंट थिंक सो रिवाइव करना पॉसिबल है। राइट से ग्रीन ने भी और स्क्रीम दोनों ने फ्लैंक किया गाइस, कोऑर्डिनेशन लेवल देख रहे हो, मेरे हिसाब से गाड़ी से मर जाएगा। आई न्यू कॉमेंट्री जो पी सर, अरे थैंक यू गौरव एस गौतम मेरे भाई, थैंक्स अलॉट फॉर द अप्रिसिएशन। यहाँ पे गाइस मैं एक बार एसएस ले लेता हूँ ताकि मैनेजमेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे। चीफ ने निकाले यहाँ पे 3 किल और नोरा जो कर्मा की गर्ल्स लाइनअप है उन्होंने हैश 3 पोजीशन एक्वायर किया है, बट किल निकालने में यहाँ पे थोड़ी सी उनको हुई है दिक्कत। कोई बात नहीं गाइस, ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है ऐसे छोटे मोटे लाइव स्ट्रीम पे। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं, रूम थोड़ी देर में एक नया मैच चालू हो जाएगा, शायद से 10-15 में नया मैच चालू हो जाएगा, 2 सेकंड में यहाँ पे आईडी पास भी आ जाएगा। तब तक गाइस काम करते हैं, थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, क्या बोलते हो? जितना अपने को जैसा टाइम मिले वहाँ पे, म्यूजिक सुनना इज मच मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जाएंगे हम लोग लॉबी में, इसको करेंगे किलोज, यस हो गया यहाँ पे, म्यूजिक सुनाते हैं गाइस आपको, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। बोलो क्या सुनोगे? क्रेडल्स तो नहीं यार, क्रेडल्स बहुत सुन लिया आज मैंने, एक्चुअली आज के दिन का तो कुट्टा हो गया मेरा। आज हो गया स्ट्रीमिंग ब्रो, लौंडा स्ट्रीमिंग ब्रो, ये स्ट्रीम करता है चोरी छिपे, स्ट्रीम करता है भाइयों से। अरे नहीं ये तो टूर्नामेंट और कस्टम सा रहता ना ब्रो, ये इसमें क्या बोलते हैं, रेन हैकर बोलते हैं स्मोक में। अरे रेन मेरे भाई काफी ओपी किल निकाला यार वहाँ पे, स्मोक में से सही नॉक किया आपने चिप का डॉक्टर डेथ को। अगर गाइस 2 सेकंड में नया आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा, वेट कर लीजिएगा, मैं भी चले जाऊंगा रूम में। दूसरा मैच शायद से मिरामार होने वाला है, इरेंगल यहाँ पे खत्म हो गया, थोड़ी देर में मैं आ जाएगा वहाँ पे।
ओ चलो लौंडो आता हूँ मैं अंदर जा रहा हूँ मैच के चल हर्षी मेरे भाई चल मिलता हूँ आता हूँ रात को खेलने गौरवस गौतम ब्रो एक मैच दिखाओ तुम्हारा टीडीएम M24 ओनली ब्रो मैं तो अभी नहीं खेल रहा हूँ ना मुझे एमुलेटर नहीं यूज करना था एमुलेटर बस मैं ये पर्पस के लिए यूज करता हूँ क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई भूल गया मैं अरे सच्चे में भूल गया क्या बोलते हैं उसको स्ट्रीमिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं यार एक्चुअली ना मेरा ध्यान यहाँ पे 34 यूसी पे चला गया और मैं भूल गया यहाँ पे यूसी से कुछ याद आया मेरे को भाई बाकी कुछ नहीं गाइस अपने पास है फिलहाल थोड़ा सा टाइम बताओ इसमें क्या किया जाए यार चिट चैट करते हैं आप लोग पूछो आपको जो सवाल पूछना रहेगा जो भी गेम सेंस रिलेटेड एमुलेटर रिलेटेड स्ट्रीमिंग रिलेटेड एनीथिंग पॉसिबली विल टाइप टू अगर मैं गाइस फोन या आईपैड से स्ट्रीम करता ना तो जरूर हम लोग टीडीएम खेलते हैं इस मेन टाइम में बट एक्चुअली आज दोपहर को भी बना बहुत बार पावर डाउन हुआ वरना मैं पीसी की गेम इंस्टॉल करने वाला था सबका सेटअप भी डाउनलोड कर लिया था मैंने बट एट लास्ट भाई क्या ही बोलूं आपको हो गया रुको दिखाते हैं आपको आपको ऐसा लग रहा होगा क्रैंक हर रोज नए बहाने देता है आज पीसी सेटअप करेगा कल पीसी सेटअप करेगा बट करता नहीं है रुको आप बताते आपको एक मिनट रुको कितने सारे सेटअप्स हैं मैं दिखाता हूँ आपको बस एक मिनट रुको फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स मुझे कुछ मैसेज एक मिनट भाई क्या ओ भाई ये क्या स्पेलिंग हुआ है टाइटल का ए यूनिटा गाइस ये सारे अपने बंदे हैं इन लोग से ना मैं लिटरली सीजन 4-5 में मिला था एंड लिटरली देयर वाज टाइम ना आई यूज्ड टू प्ले विद दिस गाय लाइक रात को 12 बजे चालू करते थे खेलना टिल सुबह के 9:30-7:30 ऐसा बजे तक खेलता था मैं लोग के साथ उसके बाद तो ये तो खत्म हो गया प्रेजेंट में कॉन्करर जाने के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए प्रेजेंट में अगर बोलोगे अभी तो भाई बहुत लगेंगे लिटरली 12 स्टार्स क्रॉस करोगे ना उसके बाद भी मुश्किल है क्योंकि देखो ना आपको दिखाता हूँ मैं फिलहाल कॉन्करर किस पे मिल रहा है देखते हैं हम लोग 2 सेकंड देना बस मुझे यहाँ पे एशिया देखते हैं अपन टॉप 100 का जो लास्ट पॉइंट रहेगा ना उसके आगे और 100 पॉइंट ऐड कर लेना देखते हैं हम लोग देखो तकरीबन ना आपको अभी यहाँ पे 5,800 पॉइंट तो चाहिए अगर कॉन्करर एंटर करना है तो गाइस थोड़ा टाइम है यार हमारे पास रुको आपको मैं दिखाता हूँ हाँ हम लोग वो काम कर रहे थे ना राइट मेल क्यों ओपन हो रहा है मेल का ओपन है भाई माय पीसी क्यों डिटेक्ट नहीं कर रहा है ये क्या डिटेक्ट कर रहा है ये भी नहीं है वो यार डिटेक्ट करने में तो सारा लोचा है ना गाइस एक मिनट डिलीट करने दो मेरे को ऐसा नहीं होता हाँ तो इसके लिए तो मैं बोला ना ब्रो आपको वो कैसा होता है ना जो आप टॉप 100 में बंदा देख रहे हो ना उसके आगे आप 100 से 200 पॉइंट कंक्लूड कर लो उतने तो आपको चाहिए ही चाहिए टॉप 500 में जाने के लिए मिल गया यहाँ पे बहुत सारा टाइम है अपने पास आपका कोई सजेशन रहेगा सॉन्ग के मामले तो बताओ यार थोड़ा सॉन्ग वॉन्ग बजाते आपके लिए मेरा मार मैप होने वाला है सेकंड मैच गए 10:30 बजे चालू हो गया यार मैं भूल गया एक्चुअली कल मुझे लगा 2 सेकंड के लिए कि
बैक टू बैक मैचेस होने वाले और बाद में मैं हम लोग ने डिसाइड किया था नहीं थोड़ा टाइम देंगे बीच में टीम्स को और फिर मैं ही भूल गया अभी ए भाई ऐड नहीं चाहिए ऐड नहीं चाहिए ऐड चाहिए नहीं ये गाइस इसको भी फॉरवर्ड करते होगा मजा आता ना स्पॉटिफाई पे क्या ही बोलूं चलो थोड़े देर अभी हम लोग क्या सुने बता मॉर्टल्स सुनते हैं मॉर्टल्स भी काफी अच्छा सॉन्ग है ये जल्दी खत्म होना रहा है मैं काम करूंगा टाइमिंग के लिए यहाँ पे जाके सिलेक्ट करो यहाँ पे डाउनलोड करो क्या एस्फाल्ट डेट बट मेरे को डर ये लग रहा है ना एस्फाल्ट डेट डाउनलोड करने जाऊंगा और नेट अगर उसने शक करना चालू किया ना तो स्ट्रीम शक हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों को क्वालिटी नहीं आएगा स्ट्रीम पे ये हो जाएगा बाकी कुछ नहीं होगा आई एम जस्ट वेटिंग फॉर आईडिया एंड पास यार पूछो पूछो यार सवाल पूछो फटाफट गाइस और अगर चैनल पे नए हो तो फियरलेस चलो फियरलेस बजाएंगे फियरलेस है आप एंसेस के ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है बट सबसे ज्यादा पसंद मुझे क्रेडल्स है गाइस क्रेडल्स इज ओपी और एन बाकी क्या हालचाल भाई सिद्धू साहब क्रैंक बोलते हैं पब्लिक हाय अमरीत क्या ही बोले भाई लॉन्डे स्क्रीन पे आ चुके हैं हमारे अपने यस ब्रो आई डू वॉच एनीमे In fact, I love them. But obviously, यार सबकी तरह मेरा भी one of the favorite है bro. Death Note is just a awesome dude. Just awesome. Let no काफी सही anime है यार. I love it a lot. डीमन स्लेयर तो उसका है ना यार क्या था अरे यार मेरे को किसी ने रेकमेंड किया था यार यार क्या था उसका नाम यार 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 मेरे को किसी ने बताया था यार उसका नाम भूल गया यार क्या ही भूलो अभी मेरे दोस्त ने भी मुझे रिकमेंड किया था रिकमेंड किया था यार किसने बोला था मेरे को बस एक मिनट है थोड़ा आईडी पासवर्ड आ गया ना यस गैस दो मिनट मैं जरा एक मिनट में पॉज की इसमें से ना ट्रांजिशन ले लेता हूँ ताकि ना मैं रूम ज्वाइन कर लेता हूँ तब तक
यार ये तो मैंने आज बहुत बार सुना है मींस लॉट सुनेगा अपन हा 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 सवाना नहीं यार सवाना वाले भी बहुत बोर हो जाएगा डेविल सुनता डेविल बस 2 मिनट मैं हूँ यहाँ पे एक्चुअली ना मैं मैनेजमेंट में हूँ ना तो मैं थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ यार कल ना मैं काम करूँगा अरे मिन टाइम में ना कुछ एक्साइटिंग करना ज़्यादा जरूरी है रादर देन जस्ट सिटिंग अलोन एंड ये वो ऐसे सॉन्ग सुनने अच्छा अच्छा ना यार आप लोग भी बोल जाए क्योंकि तकरीबन और 12 मिनट है नया मैच चालू होने वाले थे हालांकि मेरा हमारा घमासान एक्शन देखने को मिलने वाला है यहाँ पे उसकी तो पूरी गारंटी है बट स्टिल यार ऐसा तो बोर हो जाओगे आप लोग बोर हो जाओगे मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई अगर आप चैट करोगे तो मैं बैक टू बैक चैट को रिप्लाई भी कर लूँगा क्योंकि मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं बनती भाई मैं कितना भी बातें कर सकता हूँ ओके 10 बंदों ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया एक्स्ट्रा नेट्स की स्क्वाड आ चुके हैं अंदर ओरिजिन की स्क्वाड भी है यार ये एक्स्ट्रा नेट्स ही है ना आई गेस हाँ एक्स्ट्रा नेट्स बराबर तो ये मैड क्लाउन वहाँ पे क्यों बैठा है अभी मैड क्लाउन ने रूम डाउन किया था ना ओके 2v4 के बंदे यहाँ पे एक गाइस मैं काम कर देता हूँ तब तक मैं इनके रिजल्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जरा आप एक तब तक एंजॉय कर लेना सम गाइस यार पूछो जरा जल्दी जल्दी पूछो यार ऐसे ऐसे शांत बैठ के कैसे चलेगा बताओ 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 कैसे चलेगा सॉरी गाइस भैया नूब सही प्रो कैसे बने हाँ अमृत मेरी जान क्या हो गया तेरे को बीच में तू तो पहले से यार प्रो है भाई नूब तो हम है बस 1 मिनट मैं इनका रिजल्ट पोस्ट कर दूँ ना फिर मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा अरे सर सर क्या सर भाई आईफोन 11 प्रो मैक्स वाले लॉन्डे पूछ रहे वन प्लस 5T वाले से कि भाई नूब से प्रो कैसे बनना है
जिसका जिनका रिजल्ट होगा पोस्ट। दिबांशु चक्रवर्ती भाई, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हो और कब कब होता है? ब्रो देखो, इसका रजिस्ट्रेशन के दो वेज है। आप एक काम कर सकते हो, आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन है डिस्कॉर्ड का लिंक डाला है सारे स्पोर्ट्स का, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको मॉडरेटर हेल्प कर देंगे। एक मिनट मैं साउंड थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अवेलेबल रहेगा मैं। ओके देखो, आप दो काम कर सकते हो देवांशु ब्रो। एक तो कर सकते हो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने झारी स्पोर्ट्स के डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डाला है, वहाँ पे जाओ, मॉडरेटर्स आपको पक्का हेल्प करेंगे। या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे @झारी स्पोर्ट्स DM कर देना, मैं आपको जो भी प्रोसीजर है मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखो, इस सेम इस पे आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। वी हैव अराउंड 850 फॉलोवर्स, सो यस यू कैन। भैया गलती है, क्या हुआ? एक मिनट अमृत, एक मिनट ब्रो, मैं थोड़ा मॉडरेटर से बात कर रहा था यहाँ पे। तो क्या है प्रेफरेंस है? या शो ब्रो, नो वरीज। भैया गलती है, सही लिख दिया। इस हो गया इस। ओके गाइस, 25 पीपल हैव जॉइंड इट, 6 मिनट है और बंदे ज्वाइन करने वाले हैं। देखते हैं कैसे जाते हैं। वैसे जाएगा तो अच्छी है मैच। मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैप्स है, हालांकि मैं खेलता कम हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सही है यार। इश ये बॉय, इश बॉय। भाई 5 मिनट अभी नया रूम चालू हो जाएगा। वैसे अभी तक तो भाई कल मैं पकता ना, कल सुबह पहला एक काम करने वाला, उठ के ना सुबह पीछे गेम इंस्टॉल करूँ। भाई इतने में ना हम लोग ने कितने मजा किया होता पता है। बहुत सारा सेटअप है मेरे पास, मैंने अभी आपको दिखाया होता। एक मिनट रुको, अपन ना यहाँ पे करते हैं, रुको देखते मेरे पास किस किस का सेटअप है। बस मुझे इंस्टॉल करने की देरी है। ये गया मैं मेरे डाइव डी में, देखो यहाँ पे है फोर्जा है, उसके बाद में फायर क्राई 5 है, फायर क्राई न्यू डाउन है, GTA 5 का सेटअप है अपने पास, उसके बाद में CSGO का सेटअप है। पबजी नहीं है यार, पबजी PC, एक्चुअली मैं ये नहीं खेल पाऊंगा, क्या बोलते उसको, FPS गेम नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि जिस डेस्क पे मैं बैठता हूँ ना वो डेस्क काफ़ी छोटा है, तो माउस ड्रैग नहीं कर पाऊंगा वहाँ पे। यहाँ पे इतने गेम्स हो गए, अभी गेम्स ई में देखते हैं। ये देखो यहाँ पे CSGO देखने को मिल रहा है मेरे को, पबजी वीडियोस। अच्छा ये तो जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता था वो वाली वीडियोस है। आपको क्लच देखना है, मेरे एक क्लच दिखाते रुको आपको। नॉक वाले बच्चे कितने रात से आए हुए मेरे को, गया गया बच्चे। लॉन्डे कहाँ है भाई?
कोई सब तगड़ा गाना सुन यार, विदाउट कॉपीराइट वाला होने की नहीं है, तो एनसीएस वाला है, एनसीएस में ज्यादा है नहीं है, सोरिया आर्टिंग मैंने कभी सुना है, चलो ये सुन के देखते क्या बोलते हो भाई। गाने का नाम और इसके म्यूजिक मैच क्यों नहीं कर रहे हैं? गाइस सबका स्वागत है, जितने भी नए बंदे आए हैं स्ट्रीम के ऊपर गाइस, तो दिल से शुक्रिया आपको स्ट्रीम पर ज्वाइन करने के लिए। अगर आप नए हो और कंटेंट आपको पसंद आता है तो श्योरली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़ी देर में चालू हो ही जाएगा, 2 मिनट बचा है बस। 56 पीपल ने तो ज्वाइन कर भी लिया है यहाँ पे हमें। ओके गाइस 64 बंदों ने ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे अभी मैच हो जाएगा चालू। यस यहाँ पे मैच हो गया स्टार्ट गाइस, लेट्स गेट दिस थिंग गोइंग गाइस। बस एक मिनट के लिए ना, मुझे यहाँ पे पानी पी के आया, बस एक मिनट के लिए एक्सक्यूज करना मुझे, फटक से आता हूँ पानी पी के यहाँ पे। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया मुझे यहाँ पे। ओके म्यूजिक बंद कर देता हूँ मैं फिलहाल, यहाँ पे मैच में आ चुके हैं हम लोग, मैच पे पूरा फोकस रखते हैं अभी। यस ओके प्लेन की ट्रैजेक्टरी देखते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया मैं यहाँ पे, प्लेन की ट्रैजेक्टरी एक बार देख लेते हैं। ओके वेल्डेलमार से तौरे अहमदा की तरफ निकली, और ड्रॉप्स की बात करें तो बीच में एल पोजो है, सैन मार्टिन भी देखने को मिल रहा है, क्रसडेल वैले भी है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है, ग्रेवेट भी है वहाँ पे, पिकाडो एंड वी हैव पावर ग्रिड अल्सो गाइज ओवर हियर। रियली सॉरी गाइज, आपको इतना वेट करना पड़ा नेक्स्ट बैच के बीच में, बट कल से आई एम श्योरली विल मेक अप टू समथिंग कि कुछ एंटरटेन वाली यहाँ पे चीज़ें मैं अंदर ला सकूँ। यहाँ पे देखते हैं गाइज, एलबी की स्क्वाड है, लिटिल बिंग्स की स्क्वाड यहाँ पे इन हो चुकी है,
काफी ज्यादा बंदों ने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे. ओके टीम नंबर 5 डिप्रेशन की स्क्वाड शायद से एल्पोजो जाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे. जेन जो कर्मा की गर्ल्स लाइनअप है वो शायद से वेल्डेल मार में ही रुकेगी. लिटिल विंग्स के बंदे हमें देखने को मिल सकते हैं गाइस, वाटर ट्रीटमेंट या फिर क्रिस्टल वेल में निकल सकते हैं. हासियंदा में भी एक स्क्वाड उतरने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी यहाँ पे. मिथ की स्क्वाड है क्या एक बार देख लेते हैं. ये तो ग्राउंड लेवल है गाइस, यहाँ पे हमें पूरी स्क्वाड देखने को नहीं मिलेगी. ओके मिथ के पीपल्स ने भी ज्वाइन कर लिया यहाँ पे. टीम नंबर 12 जो है वो क्रिस्टल वेल की तरफ निकल रही है. टीएमएस की स्क्वाड यहाँ पे लाख कोबरेडिया निकल गई है गाइस वहाँ पे. टीम नंबर 21 आई एम रियली सॉरी गाइस, एक्चुअली मुझे हिचकी आ रही बीच में. अच्छा इतना कौन भाई याद कर रहा है मेरे को, क्रैंक को इतना भी याद मत करो भाई. ओके टीम नंबर 22 यहाँ पे बीच में फाइट भी देखने को मिला है. जंगली वर्सेस ओरिजिन का स्क्रीम हो गया है यहाँ पे. सामने जेड एफ वर्सेस टीम नंबर 23 है. दोनों स्क्वाड यहीं पे ड्रेप. आर एल के रोल ने कर दिया है नॉक और यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस जैसे कि ब्रूस ने कर दिया उसको भी फिनिश. एक स्क्वाड निकल गई यहाँ पे. पिकाडो में उतरे थे ये लोग और उतरते यहाँ पे जेड एफ की स्क्वाड हो गई है. वाइप आउट टीम 6 जो जेक्स की स्क्वाड जो मिलिटर निकल गई है वहाँ पे. पिकाडो में एक स्क्वाड है, एक्शन के स्क्वाड के साथ टीम नंबर 11 है वहाँ पे. यहाँ पे देख रहे हैं टीम 17 यहाँ पे फाइट के काफी ज्यादा चांसेस है गाइस. आई विल बी टॉकिंग ब्रीट स्लो नाउ क्योंकि घर में सब सो रहे हैं एक्चुअली. ओके ओरिजिन ने के नियो ने यहाँ पे डिफ्यूज के विशाल ओपी को नॉक कर दिया. क्या हो गया स्ट्रीम का आवाज क्यों नहीं आ रहा है गाइस? ऑडियो बोलूँ ना मैं राइट? आप स्टिल मुझे सुन पा रहे हो राइट? यस आई गेस यू आर ओके. देखते हैं थोड़ा आगे यहाँ पे टीम नंबर 10 है. सैन मार्टिन उतरे, पिकाडो उतरे ये लोग. ओके ये तो वो है डेलवेल है राइट, मिलास ममास कुछ तो नाम है इसका. ओके टीम नंबर 15 के यहाँ पे फाइट होते हुए गाइस. स्क्रीन में यहाँ पे नॉक पड़ा है, न्यू को कर लिया है कंप्लीट. इनके सामने थी शायद से दूसरी टीम जिसका खात्मा इन्होंने यहाँ पे कर दिया है. एक बार जाके देखते हैं. हासियंदा उतरी थी शायद से ये स्क्वाड. यस आई वाज राइट अबाउट इट. देखते हैं यहाँ पे टीम नंबर 13 है जो कि टीम यूनिक की स्क्वाड है. लूट के हो तो गया रहेगा, काफी टाइम हुआ है सबको लैंड हुए हुए यहाँ पे. देखते हैं थोड़ा आगे जाके अगर किसी भी स्क्वाड की हमें फाइट यहाँ पे देखने को मिल जाए तो होप सो जल्दी से जल्दी कर ले. यहाँ पे टीम 8 मिथ की स्क्वाड टीम नंबर 17 के स्क्वाड के साथ में जो कि गॉड्स एंड स्क्वाड है. दोनों अच्छी खासी स्क्वाड है. पिछले मैच में मिथ ने काफी ज्यादा सर्वाइव कर लिया था बट इस टाइम क्या पता, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दिस गेम इज ऑल अबाउट मूवमेंट. एक मूवमेंट में आप कुछ अलग कर रहे हो तो दूसरे मूवमेंट में आप सीधा गेम के बाहर हो. सो रादर देन प्रेडिक्ट एनीथिंग जैसे कि मैंने बोला था गाइस गैब्रियल के ऊपर आए टीम नंबर गॉडसेंट से शॉट आए ऊपर से. देखते हैं आप एक गॉडसेंट के साथ से जो प्ले बॉय है वो आगे प्ले बाइट है वो नॉट प्ले बॉय आई एम सॉरी गाइस. ओके गॉडसेंट के प्ले बाइट है थे जो गैब्रियल के ऊपर शॉट्स आने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे. टीम नंबर 21 काफी अलग अलग लूट रही है यहाँ पे. ओके स्प्रेडर लूट चल रही है यहाँ पे. टीम लिटिल विंग्स के यहाँ पे हमें चीफ के डॉक्टर देखने को मिल रहे हैं. दोनों स्क्वाड एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स डिस्टेंस पे अगर देखा जाए तो इतने जल्दी फाइट होने का कोई चांस नहीं है फिलहाल यहाँ पे. और एक प्लेयर भी चलते हुए दिखी हमें यहाँ पे. टीम नंबर 20 आराम से लूटेगी वेल्डेल मार में, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको. स्टार्टिंग में फाइट भी नहीं होगी उनकी. एक्सटरनेट के स्क्वाड के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है डीसी जॉर्ड के साथ जो कि डायनेस्टी गेमिंग के प्लेयर्स है यहाँ पे. देखते हैं यहाँ पे आ चुका है प्लेयर. क्या लगता है मेरे हिसाब से देखो क्या बोलो, 7 की गन पक्का, दूसरी कोई भी हो सकती है, एक गन 7 की पक्का मोस्ट ऑफ द टाइम. आपके गाइस आपके भाई का प्रेडिक्शन वैसे 2 ओपी है बॉयज, ध्यान में रखना इतना. भाई ये सिलेक्ट होगा आज कि मेरे को पूरा सीधा लैंड होने के बाद ही मैं देख पाऊंगा शायद से. लेकिन जो हासियंदा अगर यूनिक के टीम ने सैन मार्टिन में चलाई है प्लेयर तो पीछे जो हासियंदा में लोग थे शायद से ओरिजिन की स्क्वाड थी उनको अंदाजा आ जाएगा. भाई जा रहा हूँ मैं, ठीक है गाइस ये मेरा टाइम निकल गया है, मेरे को जाना चाहिए यहाँ से बेइज्जती होने से पहले. ओके 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 यार ये तो है ना, ये आजकल क्लासिक में भी ज्यादा आने लगा ये कॉम्बो. आई हिट दिस कॉम्बो. चीफ की स्क्वाड की वहाँ पे लिटिल विंग्स के साथ फाइट देखने को मिल रही है गाइस. यहाँ पे चीफ के बॉन्ग ओपी ने एक बंदा नॉक किया था शायद से आगे. यस पैरानॉइड वाइटी भी यहीं पे है इनके बंदे. ओके डेथ को देखते हैं यहाँ पे, डेथ क्या कर रहा है. बॉन्ग तो उसके सामने जा रहा था अभी. ओके लिटिल विंग्स के खेल से उसको फाइट से फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं. शायद यहाँ पे एमओ वेच नहीं करना चाहेंगे इसके लिए किंग्स को यहाँ पे फिश से फिनिश किया है. देखते हैं गाइस थोड़ा आगे जाके अगर कोई फाइट और एक फाइट हमें देखने को मिलेगी तो. सच से टीम एलबी भी यहीं पे है. मैडमैक्स भी रशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं सारे की सारे स्क्वाड. बॉम्ब भी वहीं पे है. ओके 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 पूरी तरीके से घातक भी आ रहा है पीछे से. स्क्वाड यहाँ पे एग्रेसिवली पूछ दे रही है बट दे हैव टू थिंक वाइजली. जस्ट बिकॉज बंदे को फिश से फिनिश किया इट डजेंट मीन दैट यू हैव टू पुश एग्रेसिवली एंड ब्लाइंडली ओवर देयर. थोड़ा सोच समझ के खेलोगे तो हमेशा चीजें अपने हिसाब से चलेगी रादर देन जस्ट गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय समवन एल्स की भाई मेरे बंदे को फिनिश किया फिश से तो मैं तो मारेगा भाई ऐसे कैसे कर दिया ऐसा वैसा वैसा. यह थिंग्स हैपन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. डेथ देखने को मिल रहा है यहाँ पे. मैडमैक्स शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, डेथ को कर देंगे नॉक. मैडमैक्स का यहाँ पे UMP 45 का काफी ओपी स्प्रे जाके पुश करेंगे
यहाँ पे आराम से रहेंगे, बॉम्ब ओपी वहाँ पे उनको बैकअप देने की कोशिश कर रहे हैं, शायद से एक ही बंदा है कि पैरानॉइड वाइटी क्या कर रही है इनके टीम के, पैरानॉइड ओके जैसे देखा गाइस राइट से दिया हुआ से बॉम्ब ने रिफ्लेक्शन और मेरे हिसाब से भाई फिश से फिनिश करेंगे। आई नो प्लेयर्स, आई न्यू पैरानॉइड वाइटी को देखते हैं यहाँ पे, पैरानॉइड वाइटी काफी अलग जगह पे अपने ओके ये तो उतरे भाई टीएरा में काफी गलत जगह उतरे, कूल जल वैल कहा वो बंदा का शायद से थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन गए रहेंगे तो उसके हिसाब से यस फिर से फिनिश करेंगे। आई न्यू अबाउट खराब लगा डेथ भड़वा चूतिया है, एक मिनट आ भाई जरा जरा देख लेते हैं इनको ओह नंगा इन जैसे बंदों को नंगा कर देता है बॉयज। आ आ मजा आ गया भाई, मर गया ना घुसन खाए तूने बहुत अच्छे से, अरे मरा तो तू पहले भाई हाँ मर गया ना तू भी मर गया जा, ओ भाई साले के लड़के जल्दी जा टाइम नहीं है। हाँ जा रहा हूँ तेरी माँ को चोदने का 10 बजे का अपॉइंटमेंट है, रुक जा रुक जा रहा हूँ। हाँ बिना कॉन्डोम के चोदूंगा ना, हाँ रुक जा रुक जा तेरे तो हाई फायदा करने का अपॉइंटमेंट है, रुक जा रुक जा रहा हूँ जा रहा हूँ बाय। बात करना भी नहीं आता चूते को, तेरी मम्मी से बात करता तो हूँ तेरे से बात करके करूंगा। अबे यार गाइस क्या हो रहा है यार, फाइट सुन मदर तो ज्यादा भूख मत ठीक है, ग्राउंड में एक और बिहारी आया दूसरा बिहारी भी आ गया नाइस। अरे मदर दो बिहारी मिल के तुम्हारा मम्मी को गैंगबैंग कर देंगे, टेंशन मत लो। हां चावल खावा तुम चावल खावा तुम दो बिहारी मिल के मार चो देंगे तेरा तुम्हारा मन। अरे एक बिहारी अरे एक ही काफी है वैसे, तेरी मम्मी ले नहीं पाती है चिल्लाती है बहुत रात। क्या बोलो यार क्या बोलो, 50 रुपए तो घंटा है तेरा मम्मी का रेट अलग, 50 रुपए शक्ल देखो। अरे तेरी माँ तो मेरी शक्ल देख के बहुत चिल्लाती है भाई, एक्साइटेड हो गया। अरे मादर चोद तेरी माँ तो बहुत चिल्लाती है मेरी शक्ल देख के, रंडी का लड़का मुंह बंद रख मादर चोद चुप रंडी का लड़का चुप चुप मादर चोद। बिहारी का लैंड बिहारी लोग का लैंड भी बड़ा होता है, तेरा मम्मी मुंह मुंह में लेके देखती है तो अरे भाई भाई अरे भाई भाई अरे भाई तेरी मम्मी तो सांस ही नहीं ले पाती है। अरे भाई भाई अरे भाई भाई अच्छी चिल्लाती है, ओ भाई भाई ओ भाई मारो मुझे मारो, ओ भाई मारो मुझे मारो, क्यों मारू तू जिंदा है ना, तू जिंदा होके बात कर रहा है ना, मर तो तू गया। अबे यार बिहारी जाओ ना, क्यों सर खा रहे हो मेरा। हाँ बिहारी सर बहुत छोड़ी मार लूंगा यार, चीफ की स्क्वाड है प्लीज देख ले जरा यार इनको भाई, मेरा माथा गर्म होगा ना मैं अलग से भड़क जाऊंगा, फिर मैं स्ट्रीम भी नहीं देखूंगा। ये भी बिहार से है, बात तो करूंगा मैं इनसे पक्का इन गेम। ओके टीम 17 है यहां पे, देख रहा है देख भाई बॉम्ब कह रहा है, देखा मेरे को भी लग रहा है तू बिहार से। हां बॉम्ब कह रहा है बॉम्ब कह रहा है। अबे भाई इनको एक तो नहीं होता तो क्यों खेलते हैं लोग, कंपटीटिव में क्यों है, स्पोर्ट्समैनशिप बिल्कुल नहीं यार। अरे बॉम कुछ पूछ रहा तू कहां से है बोल देना फिर। ओके टीम 17 है यहां पे गाइस, दिखता हूं जरा एक मिनट। आ कैंस पुशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे टीम आरएल की स्क्वाड, जिन्होंने पहले भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है यहाँ पे यार, ध्यान नहीं लग रहा अभी ऐसा होता है गाइस।
जब कोई भी आप करते हो ना एक गलती ऐसा होता है। ओके टीम आ रहे हैं यहाँ पे, छोड़ो गाइस थोड़ा मैं मैच पे कर लेता हूँ फोकस में। ओके टीम ओरिजिन है इनके सामने आ चुका है यहाँ पे ड्रॉप, जैसे कि मैंने बोला था गाइस ओरिजिन की टीम और सेंधा में थी और उन्होंने कर दिया यहाँ पे यूनिक के बंदों के ऊपर, पीछे से आरोप नाइक के बंदों ने कर दिया मीत के ऊपर पे हो रहा है, वहाँ पे सैंडविच हो रहा है शायद से, दो तीन बंदों ने नॉक कर दिया यहाँ पे ऑलरेडी। ओके पैंडा ओपी यहाँ पे नॉक पड़े, माफिया कंफर्म हो चुके हैं, रूगा और गैब्रियल क्या कर रहे हो देखने बनेगा गाइस यहाँ पे, रूगा और गैब्रियल तो शायद से इधर ही। ओके सूफी ने वहाँ पे स्क्रीम को नॉक कर दिया गाइस नेट से, थोड़ी वो फाइट दो मिनट के लिए देखते है। ओके यहाँ पे देखते हैं जरा ओरिजिन की स्क्वाड को, स्क्रीम और ओके स्क्रीम भी यहाँ पे नॉक पड़ा है, ग्रीन है पीछे न्यू काफी पहले यहाँ पे पिकऑफ भी हो चुका था। ओके रश कर दिया यहाँ पे शायद से रेन, तो यही है ग्रीन के ऊपर रश करने की कोशिश कर रहे हैं, नेड्स थ्रो करेंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा ग्रीन को, शायद पता नहीं है राइट से एक बंदा रहा है सूफी यही से एंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, मॉल हिट होते होते रहेगा और ना के डैडी ने वहाँ पे मिस किया गैब्रियल को, मैड बॉय ने यहाँ पे पिकअप कर लिया ग्रीन को, रेन इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग, देखते गाइस क्या यहाँ पे क्लच हो पाता है रेन की तरफ से, ऑलरेडी पहले हम लोग ने इनकी एबिलिटी देख चुके हैं सो इट्स नॉट न्यू टू अस दैट एक स्क्वाड को हम लोग पूरे 1v4 करते हुए दिख जाए। सूफी ने वहाँ पे ओरिजिन के स्क्रीम को कंफर्म कर लिया है, रेन यहाँ पे कर्मा को नॉक कर देंगे गाइस, बट ऑब्वियसली यहाँ पे काफी ज्यादा ओपन में थे उनको आइडिया नहीं था कि सामने टीम ओरिजिन के रेन है यहाँ पे और मैड बॉय ने कर दिया वहाँ पे कंफर्म करने के चक्कर में यहाँ पे खुद की पोजीशन भी गवा बैठे यहाँ पे ओरिजिन के रेन। फिर गाइस थोड़ा आगे जाते हैं यहाँ पे टीम 11 देखते हैं यहाँ पे, टीम 12 चीफ के पैरनॉड वाइटी है यहाँ पे, एक मिनट मैं थोड़ा मॉडरेटर से बात कर रहा था वहाँ पे, जो अभी सिनारियो है उसी के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा वो शॉर्ट, स्पेशली मैं मैटर में देखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं बनेगी। ओके टीम 11 यहाँ पे लेफ्ट से रश इन करने की कोशिश करेगा, एक मिनट बस मैंने गलती से स्ट्रीम बंद कर दी, मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगा अगर मैंने स्ट्रीम बंद कर दी तो, पूरा राइट एकदम तो लेफ्ट है तोल दिया जाएगा इसके लिए बाकी कुछ नहीं। ओके पूरा तोल दिया एकदम जोर ने लगा लगे एजे रोटेशन भाई, ये कौन है भाई वॉल पे अभी तक क्या कर रहा है बंदा मेरे को बताओ जरा कोई। टीम 5 डिप्रेशन की स्क्वाड भी यहीं पे है गाइस, देखते हैं इनका क्या सिनेरियो है यहां पे। ओके आराम से इन्होंने कंपाउंड पकड़ लिया है, एडवांटेज हाई ग्राउंड पकड़ लिया है यहाँ पे, तो आराम से चिल करके रहेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। टीम 18 एक्शन की यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है गाइस हमें। ओके यहाँ पे शॉट्स आए थे टीम नंबर 13 के साइड से, शॉट्स आ रहे थे अभी तक आ रही है जो कि यूनिक की स्क्वाड है यहाँ पे, जहाँ पाना को साइड से शॉट्स कनेक्ट होते होते दिखे थे, नहीं एटीओपी भी काफी आगे खेल रहे हैं, अगर ज्यादा एग्रेसिव हो गए और ओपन में नॉक हो गए तो दिक्कत में जा सकते हैं। इनके जस्ट आगे टीम नंबर 13 के बंदे, अगर मैड बॉय या कर्मा में से कोई भी एक बंदा नेड करता है तो यहाँ पे दिक्कत में आ जाएगी टीम नंबर 18। ओके आराम से पीछे वैसे तो जा सकते हैं, जस्ट वेयर हाउस के जस्ट आगे खड़े, इनको आइडिया आ चुका है एथियोपी को कि सामने 2-3 बंदे हैं, वहाँ पे पीछे से आ गई है गाइज वहाँ पे एलबी की स्क्वाड थर्ड पार्टी कर रहे हैं, लेट्स सी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें। ओके एलबी का घातक थोड़ा एग्रेसिव पूछ दे रहे, वो लोग तो कंपाउंड में है, इसके लिए थोड़े से यहाँ पे एक और स्क्वाड दिख रही है जो मिनी 14 से बैकअप देने की कोशिश कर रहा है टीम एलबी के बंदे को, शायद से वो बॉम्ब है पीछे, यस दैट्स अ बॉम्ब जो कि मैंने 14 से बैकअप देने की कोशिश कर रहा है। मैड क्लाउन वाइटी ने वहाँ पे एलबी के घातक को कर दिया नॉक्स, मैड मैक्स यहाँ पे रिवाइव कर देंगे, अगर यहाँ पे नेड आता है तो वेल एंड गुड रहेगा, रशिंग करने के चक्कर में यहाँ पे मैड क्लाउन आई डोंट न्यू व्हाट दिस गाइस आर गोइंग टू डू, बट मैड मैक्स को यहाँ पे अकेला बचा है क्योंकि पीछे बॉम्ब भी नॉक पड़ा है गाइस, सारी की सारी स्क्वाड यहाँ पे रश करेगी और टीम शायद से टीम एलबी का खात्मा हो सकता है गाइस यहाँ पे मैच में। गॉडसेंट के काकाशी ने वहाँ पे मिथ के गैब्रियल को नॉक कर दिया है, शायद से मैच में से टीम मिथ का खात्मा हो चुका है गाइस यहाँ पे। ओके रियुगा इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग, एटीओपी ने वहाँ पे यूनिक के स्कूफी को कर दिया है नॉक, देखते हैं यहाँ पे भी नेड़ आता हुआ एलबी का मॉम अभी तक नॉक पड़ा हुआ है, मैडमैक्स को रिवाइव मिल जाता है, घातक भी है अभी यहाँ पे, घातक को वापस नॉक कर दिया, मैडमैक्स है यहाँ पे, स्वेट नॉक होते होते रह गया, यूनिक के मॉड भाई ने वहाँ पे एक्शन के एटी को नॉक कर दिया है गाइस, कवर फायर देने की कोशिश दो के बीच में पिछ रही है यहाँ पे, स्क्वाड सैंडविच सिचुएशन देखने को मिल रहा है हमें आज, एंड दिस इज नॉट न्यू टू अस, हमने बार बार देखा है कस्टम्स में कि ऐसे सिचुएशन खड़े होते रहते हैं, यहाँ पे अगर किसी का फायदा हो रहा है तो वो है टीम एलबी, सब जगह से पड़ रहे हैं इनको, झापना को भी नॉक कर दिया यहाँ पे घातक ने,
मैडम भाई घर तक वापस नॉक होगा, तीसरा से चौथा नॉक भाई एक नेड आ जाएगा अगर, तो यहाँ पे एलबी की स्क्वाड हो जाएगी गाइस वाइप। ओके गॉडसन के हैरी ने वहां पे एरोनाइट के डैडी को नॉक कर दिया, साथ ही उन दोनों ने प्ले बाइट को नॉक कर दिया गाइस। यहाँ पे बॉम्ब को रिवाइव करने की कोशिश, बट आई डोंट थिंक सो कि बॉम्ब यहाँ पे रिवाइव हो पाएंगे, बिल्कुल काफी लेट हो चुके हैं। तीन बार वहाँ पे अगर घर तक नॉक नहीं होते या फिर पहले ही आ जाते मैडमैक्स तो इजीली रिवाइव हो जा सकते थे, बट अभी बचाने का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। घातक को देखते गाइस वंस अगेन। ओके यहाँ पे टीम एक्शन को शॉर्ट सही की कोशिश, एक बार घातक वापस नॉक, एंड आई डोंट थिंक सो थर्ड से फोर्थ नॉक आई डोंट थिंक सो घातक ये सर्वाइव कर पाएगा अनलेस एंड अंटिल एकदम जोर से आ जाए वहाँ पे मैडमैक्स। भाई वो तो कोई बैटमैन नहीं है, सुपरमैन नहीं है, सीधा उड़ के आ जाएगा यहाँ पर। लेट्स सी हाउ इट गोज। अगेन यहाँ पे टीम नंबर सिक्स की भी फाइट हो रही है गाइस, आई डोंट थिंक सो घातक को बचा पाएगा। ओके कार लेके आया है यहाँ पे, प्रायोरिटी लेके आया है काफी एकदम, मैं बोल रहा था सुपरमैन है बैटमैन बन के नहीं आएगा, बट लिटरली सुपरमैन है बैट के सेवियर बन के आया है यहाँ पे घातक के लिए। एलबी का मैड मैच ये होता गाइस, कोऑर्डिनेशन ऑलवेज वर्क्स ओवर द स्किल्स। टू इजी फोर की स्क्वाड है यहाँ पे, ये लोग भी चिल कर रहे हैं। अच्छा मुझे ब्लिंक्स दिखा था इसके लिए मैंने इनके ऊपर कैमरा एंगल घुमाया। यहाँ पे टीम मिथ बची है, गई मैच से खत्म। ओके यहाँ पे रेज की स्क्वाड है इनके साथ, सामने टीम नंबर छह भी है सच। ओके एलबी के कितने बंदे गए, अच्छा सूपी को कर लिया पिक ऑफ यहाँ पे जो कि बहुत पहले किया था, मैड क्लाउन वाइटी। ओके मैड बॉय ने यहाँ पे कर दिया मैड क्लाउन वाइटी को एम फोर से नॉक, आधा डैमेज यहाँ पे रेज के कर्मा ने कर दिया था, बाकी का जो भी बचा कुचा काम कस्ता हो यहाँ पे पीछे से मैड बॉय ने कर दिया इनको बैकअप देते देते। अगर एक नेड क्लोज इन में जाके डाल दे यहाँ पे रेज के कर्मा भी तो दिक्कत में आ सकती है ऊपर एक्स्ट्रा नाइट की स्क्वाड्स। कोई बात नहीं गाइस, देखते थोड़ा आगे जाके अगर कोई फाइट्स और हमें यहाँ पे पिक करने को मिले तो। फिलहाल तो यही पे सबसे ज्यादा बोल सकते हो कि परसेंटेज ऑफ फाइट होने का, क्योंकि तीन से स्क्वाड चार स्क्वाड है यूनिक के मैड बॉय, इनके पीछे जेज की स्क्वाड भी आ चुकी है गाइस। यहाँ पे जेज के हिंदू का देखते हैं क्या एंगल बनता है यहाँ पे। ओके ट्रैक्टर से शॉट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्टन को स्पेक करके देखता हूँ एक बार कैप्टन क्या एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कर दिया था ओके कार्नेटेड का चमाटा, पढ़ते पढ़ते यहाँ पे रहेगा वहाँ पे यूनिक के मैडबॉ। अगर मैडबॉ नॉक हो जाते तो वहाँ पे कर्मा ओपी को सिचुएशन हैंडल करने के लिए थोड़ी दिक्कत बन सकती थी गाइस। ऊपर एक्सन की स्क्वाड है, एक्सन नाइट्स की स्क्वाड, उनके भी तकरीबन चारों बंदे बचे। ओके ये थी यहाँ पे पिकआउट हो चुका है, लेकिन उन्होंने एक किल अपने नाम कर लिया है, तो मैड क्लाउन को देखते हैं यहाँ से क्या सिचुएशन बन रही है। इन्होंने टीम रे 13 के ऊपर कर दिया है यहाँ से रेज, इनके जस्ट आगे रेज के कर्मा ओपी और पीछे एलबी के भी बंदे घातक के ऊपर यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्वैट इज लिटरली सर्वाइविंग एट 20 एचपी, लेकिन मैडमैक्स की मिनी 14 से वो नहीं बच पाए वहाँ पे, झापना को भी नॉक कर दिया वहाँ पे एलबी के घातक ने। दो बंदे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का कमाल दिखा रहे हैं हमें गाइस, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि वाई कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज बेटर रैदर देन स्किल सेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट करके आप जो गेम प्ले दिखा सकते हो आप स्किल के साथ नहीं दिखा सकते हो। आई नो मुझे पता है सबका कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। यूनिक के मैडम ने वापस रेज के कैप्टन को नॉक कर दिया, लेकिन नहीं बच पाएंगे यहाँ पे रेज के कर्मा ओपी इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग नाउ, क्योंकि बाकी सब मैड क्लाउन भी यहाँ पे अकेले बचे, आयन वी का बंदा इनके आगे रेज के कर्मा ओपी, इनको पता है जस्ट बाहर उजी लेके निकलने की कोशिश करे, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे मैड क्लाउन यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करे, और यहाँ पे मैड क्लाउन ने 1v1 फाइट जीत ली है, आराम से निकाल ले जाएंगे यहाँ पे एक किल अपने खाते में। यहाँ पे आता हुआ ड्रॉप एंड आई होप सो इसमें 7 का ही गन होगा, आई न्यू सो। क्या बोलते हो गाइस, अगर 7 का नहीं रहेगा तो क्या घोर बेइज्जती होएगा ना मेरा, वुड बी ऑन स्ट्रीम। 6 की वॉचिंग है, मैं 7 की वॉचिंग है गाइस, क्या ही गलत सीन हो जाएगा ना अगर यहाँ पे 7 की गन नहीं आएगी तो। अबे भाई हो जा, वो तो आई ना आई वो तो बात का, पर ये पहले क्लिक नहीं हो रहा है ये अलग बेइज्जती हो रही है मेरी। ओ भाई मारो, क्या बोला था गाइस, ऐसा कैसा बेइज्जती होने देगा मई। ओके टू इजी फोर की स्क्वाड, ओके यहाँ पे मिनक को नॉक कर दिया डीसी के जैक ने वहां से। ओके डायन के एस्ट्रॉइड भी आ रहे हैं आगे, एक बंदा ऑलरेडी 1 HP सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे, इंसेंट पिक ऑफ हो चुके हैं, एस्ट्रॉइड सर्वाइव कर लेगा आराम से, सर्वाइवल करके यहाँ पे स्पार्की डब्ल्यू इनको रिवाइव भी मिल जाएगा। ओके मयंक भी वहाँ पे शायद से रिवाइव हो चुके हैं, ओके मैनियक थे वो मयंक नहीं थे, पहले मैच में हो गए थे पिक ऑफ, यहाँ पे नहीं हुए अभी तक। टीएमएस की टीम है शायद से टीम 22 के ऊपर शॉट्स निकालने की कोशिश कर रही है, इसके लिए ब्लिंक हो रहा था यहाँ पे, टीम 22 रोटेशन दे रही थी यहाँ पे। जेज की टीम की अभी भी फाइट हो रही है टीम लीथल विंग्स के बंदों के साथ जो अभी थोड़ी देर पे ऑल पे थे। कोई नहीं गाइस होगा, सबका हिसाब करेगा रे तेरा क्रैंकी। रुको गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने को मिलता है हमें। ओके 2v4 का मैं क्या यहाँ पे डीसी के जैक को नॉक कर दिया गाइस, जैक को कंफर्म भी कर देंगे यहाँ पे, रश कर दिया स्पार्की डब्ल्यू एन भी नॉक पड़े,
एस्ट्रॉइड इज द लास्ट गाय स्टैंडिंग, काफी वर्स्ट सिचुएशन में से जा रही है यहाँ पे अलग टीम। ओके एस्ट्रॉइड को भी पहले पिकअप कर लिया था शायद से, मैंने वो मिस किया वहाँ पे। डिफ्यूज की स्क्वाड था भाई, नो इट वाज नॉट डिफ्यूज, इट वाज समथिंग एल्स। ओके डायनेस्टी थी, ओके वो भी हो चुके हैं यहाँ पे गेम से बाहर। अभी आराम से जोन के अंदर मूविंग करेंगे ये लोग। इधर है टीम नंबर 22, D12 की टीम है यहाँ पे, देखते हैं गाइस। अगेन गाइस क्या कर रहे हो, और सबका वेलकम है स्ट्रीम पे जो भी नए लोग हमें अभी ज्वाइन हुए हैं। अगेन गाइस जितने भी नए लोग हैं, डू मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, फॉर दैट इज द थिंग विच मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग यू दिस काइंड ऑफ स्ट्रीम्स। और भी स्ट्रीम्स आने वाली है कल भी, तो यस चीज़ें होती रहेंगी। यहाँ पे बैरल से नॉक निकालने की कोशिश कर रहे टैप फायर, देखिए अगर एक भी नॉक निकल जाता है तो यहाँ पे वो, बट ऑब्वियसली टीम को बेनिफिशियल रहेगा। देखते हैं 3v3 सिचुएशन है, TMS के भी बहुत तीन ही बंदे एक्चुअली देखा जाए ना, तो गाइस इसमें जो बहुत से स्क्वाड थ्री बंदों के साथ ही खेल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट द रीजन हियर, बट बहुत सी बंदे खेल रहे हैं यहाँ पे। वॉटसन की स्क्वाड भी रोटेशन देने की सोच रहे हैं, वहाँ पे जज के कैप्टन ने लिटल विंग्स के बंदों को कर दिया नॉक, और शायद से उनको कर दिया मैच से भी बाहर। टीम लिटल विंग्स हिंदू नॉक पड़ा है यहाँ पे, जिसको रिवाइव मिल जाएगा वेरी इजीली। नहीं एक बंदा है वहाँ पे लिटल विंग का, ओके घातक शायद से नॉक पड़ा था, ओके घातक रिवाइव कर देगा यहाँ पे। मैडमैक्स विल बी वेरी इजीली रिवाइव, सामने से आ गई है यहाँ पे जज की स्क्वाड, दो रन करेंगे तो फिर यहाँ पे M249, लेकिन घातक यहाँ पे नॉक हो जाएगा। एन वी के स्मोकर है वहाँ पे, देखते यहाँ पे मैडमैक्स क्या कर पाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, ज्यादा ओपन में थे यहाँ पे, दो बंदे रच कर रहे थे, करते तो क्या ही करते। एंड गाइस जस्ट एक नंबर अच्छा पेटीएम तक नीचे जाए व्यूअर हट मेरे को लगा भाई झूठ नहीं बोलूंगा, दो सेकंड के लिए लगा भाई पेटीएम से क्या मैसेज आया, मेरे को लगा रिचार्ज खत्म हो गया दो सेकंड के लिए। ओके यहाँ पे एयरड्रॉप है, यहाँ पे एयर ट्रॉप है, देखते गाइस थोड़ा आगे जाके यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे टीम नंबर 23 जिनके पास आया था फिलहाल एयरड्रॉप, MK14 यहाँ पे बंदों के ऊपर रॉल के, ओके दो ही किल निकाले, एग्रेसिव टीम है काफी, एक्चुअली इंडिया की टीम नहीं है ये, आई गेस दिस गाइस आर फ्रॉम हांगकांग और सिंगापुर, दिस इज व्हाट आई नो। बाहर की टीम है काफी एग्रेसिव गेम प्ले पहले भी दिखा चुकी है, कल उन्होंने इसका एक एग्जांपल दिया था कि टीम जब एग्रेसिव गेम प्ले दिखाने पे आ जाती है तो किस तरीके का एग्रेसिव गेम प्ले दिखाती है। टीम जेज भी यहाँ पे जोन के अंदर जाने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी। टीम ओरिजिन कहाँ पे, यहाँ पे ओरिजिन मैच से बाहर हो गया क्या, ओके ओरिजिन का जल्दी थोड़ा खत्म हो गया गेम, कोई बात नहीं होता है ऐसे। ओके यहाँ पे टीम 21 टीम 25 से लड़ रही है शायद से, ओके TMS के फ्यूरी ओपी आ गए, यहाँ पे नोरा को कर दिया नॉक, ये नेड से कंफर्म भी हो जाएगी शायद से नोरा, यस जिसने मेरा प्रेडिक्शन सही जा रहा है। यहाँ पे ब्लीस एंड आयशा स्टील बचे हुए हैं वहाँ पे, अगर यहाँ पे एक नॉक भी निकालते हैं, ब्लीस के ऊपर शॉट लाइन की कोशिश कर रहे थे लेकिन मेनियक ने यहाँ पे ब्लीस को भी कर दिया है नॉक। आयशा है इज द लास्ट गाय स्टैंडिंग नाउ, देखते हैं क्या हमारी गर्ल गेमर जो है वो यहाँ पे क्लच करके दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती है। जेनेक्स की डचेस भी है वहाँ पे, इजिली रिवाइव हो जाएंगी यहाँ पे ब्लीस, जितना एग्रेसिव सोच रहा हूँ मैं उतनी एग्रेसिवनेस अगर टीम इजी फोर नहीं दिखाएगी तो इजीली रिवाइव हो जाएंगी यहाँ पे। जेनेक्स की डचेस भी हो चुके हैं यहाँ पे नॉक, इट्स लिटरली ऐसा नहीं बोलूंगा इम्पॉसिबल है बट इट्स बिट हार्ड टू सर्वाइव नाउ, शायद से फॉल बैक कर ले तो कुछ हो सकता है यहाँ पे, कंपाउंड के अंदर से अगर फाइट ले तो कुछ दिक्कत नहीं बनेगी यहाँ पे। लेकिन कर्मा के आयशा के ऊपर शॉट्स आ रहे थे, बग्गी लेकर निकलने की कोशिश कर रही है यहाँ पे कर्मा की जो आयशा है, आराम से निकल जाएगी गाइस सेफ जोन के अंदर। रोटेशन निकाल रही है यहाँ पे, ब्लीस को छोड़ दिया है लेकिन वहाँ पे ओ भाई ये रास्ता बहुत खराब है, आई डोंट नो। और मिरामार में आपको पता है बग्गी का सीन, बग्गी का ग्लिचेस कितना होता है, और मेरे साथ तो भाई कुछ अलग ही लेवल का होता है, आई डोंट नो शायद से मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही प्यार करता है ग्लिच हर बार का हो गया। ओके इनको समझ आ चुका है सामने एक और टीम है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि यहाँ से निकल जाओ। और आयन वी का स्मोकर यही पे गाइज, नितिन को कर दिया उन्होंने नॉक, दो बंदे यहाँ पे हमने सामने आते हुए, लेकिन नोरा को आयशा को कर दिया नॉक, और वहाँ पे ब्लीस भी हो चुकी है फिनिश, कैप्टन ने वहाँ पे ब्लीस को गाड़ी से गिरा के कर दिया फिनिश। देखते गाइज M249 का स्प्रे आते हुए, मयंक यहाँ पे निकाल रहे हैं किल्स भाई, टीम 2Z4 सच्ची में नाम की तरह यहाँ पे 2Z4 काम कर रहे हैं। कैप्टन के ऊपर स्प्रे लेने की कोशिश कर रही है आइश के बर्निंग, वहाँ पे शायद से गाड़ी टूट के मर गए। टीम नंबर 22 जो थी D12 के सट टू भी यहाँ पे हो चुके हैं खत्म, शायद से गाड़ी ये होके मरे वो लोग, दिस इज व्हाट आई नो। टीम 22 कहाँ पे मरी, ओके मरने के बाद थोड़ी नहीं लिखा कहाँ पे मरी, डम्मी भाई FPP मैच तो नहीं था, ओके इन्होंने FPP स्विच किया रहेगा यहाँ पे। अगेन गाइस आई एम रियली सॉरी, आपको थोड़ा मेरा साउंड लो लगा रहेगा, इट्स नॉट बिकॉज आई एम एग्जॉस्टेड, इट्स बिकॉज मेरे घर पे सब सो रहे हैं और मैं ज़्यादा जोर से बात नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज आई जस्ट विश दैट। आप मेरी इसके पहले की स्ट्रीम देख लो, आपको मेरा एक्साइटमेंट का लेवल दिखता रहेगा, ईच एंड एवरी मैच इज एक्साइटमेंट फॉर मी, देर इज नथिंग लाइक कि भाई मैंने 6 घंटा स्ट्रीम कर लिया, 3 घंटे स्ट्रीम कर लिया तो मेरा इंथुजियाज्म कम होगा, नेवर, क्योंकि आप की वजह से मुझे और मोटिवेशन मिलता रहता है, मैं ऐसे ऐसे नए और स्ट्रीम्स लाते रहूँगा गाइस, आई आई विल मेक श्योर दैट। और यहाँ पे न्यू
ने आयरन के स्मोकर को भी कर दिया नॉक। कैप्टन लास्ट गेस्ट स्टैंडिंग है यहाँ पे टीम नंबर सिक्स की तरफ से, देखते हैं क्या रिवाइव कर पाएगा। अगर न्यूक को नॉक करता है तो यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन बन जाएगी, जैसे कि मैंने बोला था न्यूक नॉक होते होते रहेगा वहाँ पे, इजीली स्मोक में जाकर रिवाइव करेंगे। बट आई डोंट थिंक सो टीम नंबर 21 यहाँ पे रुकने वाली है। सारे के सारे बंदे एग्रेसिव गेम प्ले दिखा चुके हैं, इसके पहले भी वैसे ही यहाँ पे भी दिखाएंगे। ओके टीम नंबर 21 पुश इन भी कर चुके हैं, राइट से न्यूक आने वाला है यहाँ पे, इसके लिए उन्होंने एंगल ना बने इसके लिए वहाँ पे स्मोक डाल दिया। यहाँ से अगर फॉल बैक कर ले तो वुड बी एन रियली बेटर आइडिया और वाइस डिसीजन भी रहेगा, क्योंकि लिटरली सिक्स जोन अभी श्रिंक होने को आ चुका है गाइस। ये इट्स बेटर दैट कि ये लोग निकल जाए यहाँ से, बट व्हीकल नहीं है, सारे व्हीकल के टायर यहाँ पे खराब हो चुके हैं, तीन व्हीकल के टायर तो फाड़ चुके हैं लोग। और यहाँ पे मेनियक के ऊपर स्प्रे लेने की कोशिश कर रहे थे गाइज यहाँ पे, बट उसमें असफल रहे। देखते हैं यहाँ पे गाइज 17 बंदे लाए हुए अभी तक, कुछ भी हो सकता है। आप गेम प्ले देख के आपको तो इतना तो समझ में आया होगा, आपने तो एक विनर चुन लिया होगा कि आपको लगता तो रहेगा कि हाँ भाई ये टीम मैच निकाल सकती है। यहाँ पे टीएमएस के गॉम जी को हो गया नॉक, फिनिश होते होते रह गए ऑलरेडी दो ही बंदे बचे, फ्यूरी और जोकू ओपी। देखते हैं आरएल की स्क्वाड है, थोड़ा एग्रेसिव गेम प्ले वो दिखाती है, बट लेट्स सी क्या भाई एग्रेसिवनेस वो लोग यहाँ पे मेंटेन कर पाते। ऊपर है वेलनाट, राइट से झीला पुशिंग करने की कोशिश कर रही है फ्यूरी ओपी भी है यहाँ पे। पीछे मयंक ने गॉड सेंट के लियोनाइड को नॉक कर दिया गाइस, थोड़ा और आगे आएंगे तो झीला को एक्सपोज हो जाएंगे वहाँ पे। टीम 23 के ऊपर साइड से फाइट लेने की कोशिश कर रही है और ये भी नैले में दहले और हाथ देने की कोशिश कर रही है। आरएल के ब्रूस ओपी ने वहाँ पे टीएमएस के जोकू ओपी को नॉक कर दिया गाइस, फ्यूरी ओपी इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग नाउ, रोल ने कर दिया यहाँ पे फिनिश। बोला था मैंने गाइस पहले एग्रेसिव टीम है, एग्रेशन बस बस में लिखा है इनके, क्योंकि मैंने इनका गेम प्ले देखा हुआ है कल ही जस्ट। ओके यहाँ पे टीम 17 और टीम 21 की फाइट हो रही है। टीम 21 ने साथ से 17 को दो बंदे को नॉक किया था और पिक ऑफ भी कर लिया, बट बंदे बचे हुए हैं अभी। प्ले बाइट इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग ओवर देयर ऊपर से, और यहाँ पे प्ले बाइट भी हो चुकी है जोन के बाहर। नाउ इट्स टीम 21 वर्सेस टीम 23, दोनों अच्छी और एग्रेसिव टीम है, दोनों ने अच्छे खासे किल्स निकाले गाइस। टीम इजी फोर की बात करें तो इन लोग ने निकाले है 7-6 13 किल्स निकाले। वेलनहार्ट ने मिनी 14 से मयंक को नॉक कर दिया, ऊपर मेनियक भी नॉक पड़ा है गाइस। फिलहाल टीम 23 इट्स नॉट दैट इजी एज यू थिंक। हाई ब्रो मैं चीफ्स का बंदा बॉन्ग ओपी ब्रो, इट्स बेटर ना बॉन्ग कि हम लोग व्हाट्सएप पे बात करें ब्रो, दैट विल बी रियली बेटर ऑप्शन आई गेस। स्ट्रीम पे अच्छा नहीं लगेगा ब्रो। आपके एक बंदे का नंबर है मेरे पास तो उनसे मैं व्हाट्सएप पे बात कर लूंगा ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आरएल का रोल ने वहाँ पे टीम इजी फोर के नितिन को भी पिक ऑफ कर लिया है। न्यूक इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग नाउ, थोड़ा लो की रहना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पे न्यूक को भी अगर नॉक पड़ा तो यहाँ पे टीम मेनियक जो टीम 2-4 है इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है गाइस। देखते हैं आरएन के वेलनहार्ट के ऊपर शॉट्स लेने की कोशिश किया। टीम 23 अभी तक जोन में नहीं आई वैसे, आई डोंट नो व्हाट दीज गाइस आर थिंकिंग ऑफ, कुछ अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है इनकी, बट अभी तक तो इनको जोन में निकल जाना चाहिए था क्योंकि लिटरली 14 सेकंड्स बचे हैं और ये जोन जो है वो डैमेजेबल जोन है इतना होते हैं। ओके देखो गाइस बोला था स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज वर्क, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वर्क ऑल टुगेदर। यहाँ पे शॉर्ट साइड की तो कोशिश की है लेकिन बैक फायर ना हो इसके लिए, लेकिन देखो कैसे यहाँ पे ट्रेड में फायर दिया जा रहा है बंदों का। अगर यहाँ पे एक दो नेड आ जाए तो टीम 21 के लिए दिक्कत बन जाएगा गाइज वैसे देखा जाए तो। ओके यहाँ पे नेड की फूल के पुश कर रहे गाइज, देखा न्यूक आ गया है यहाँ पे इनके मुंह के ऊपर, वेलनहार्ट यहाँ पे नॉक होते होते रह गए लेकिन जो नेड फेंका था यहाँ पे उस नेड ने कर दिया है काम। लेट के मेनियक एंड द मयंक आर द टू गाइज स्टैंडिंग, बाकी के बंदे राइट से आ रहे हैं और मयंक वहाँ पे अकेले बचे हैं, नॉक कर दिया है यहाँ पे आरएल के रॉल को। वेलनहार्ट है लेकिन अभी तक ऊपर और मयंक का आई डोंट थिंक सो मयंक यहाँ पे बच पाएंगे, आई डोंट थिंक सो इट्स इजी टू सर्वाइव फॉर मयंक। ओके गाइस 2 मिनट मैं बस यहाँ पे ना एक बार एसएस ले लूँ मैनेजमेंट के लिए, तो मैं अपडेट भी कर दूंगा जल्दी से ग्रुप्स में। मैंने अभी जस्ट स्क्रीन देखा भाई, बहुत खराब लगा, दिल से सॉरी। कोई ना ब्रो बात करेंगे ना हम लोग इसके बारे में, स्ट्रीम पे बात नहीं करेंगे ब्रो, थोड़ा व्हाट्सएप पे बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई गेस। यस एक मिनट ब्रो। ओके गाइस एक मिनट, एक बार देखते हैं किल फीड हमें यहाँ पे टीम आरएल ने निकाले यहाँ पे तकरीबन 10 किल्स। 2-4 के बंदों ने काफ़ी अच्छा गेम प्ले निकाला लेकिन एंड में थोड़ी सी उनसे गलती हो गई, जोन ने उनका थोड़ा सा साथ नहीं दिया तो इसके लिए यहाँ पे निकाल लिया है आरएल के बंदों ने। चिकन डिनर हैज टू पोजीशन हैज बीन बैक बाय 2-4 विद अराउंड 13 किल्स और गॉड सेंट के बंदों ने भी यहाँ पे अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए यहाँ पे 8 किल्स निकाल लिए गाइस। एक बार मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लूँ क्योंकि एसएस तो मैंने यहाँ पे लेके रख दिए।
तो गाइस बस आज के लिए तो इतना ही था, क्योंकि ऑलरेडी मैं एग्जॉस्टेड हूँ वैसे, जैसे कि मैंने बोला भी था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 घंटा स्ट्रीम करने के बाद भी मैंने और 1 घंटा स्ट्रीम किया है यहाँ पे, क्योंकि बंदे जो होते हैं वो बोलते हैं हमें भाई लाइव स्ट्रीम चाहिए। सो यस, दिस इज व्हाट हम लोग ने उनको एक कमिटमेंट दिया था, हम लोग कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं गाइस यहाँ पे। और गाइस होते रहते हैं यार, सब अपने ही बंदे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाई इसके बर्लिन की रिक्वेस्ट आई है, मैंने इसको कहीं पे देखा है अच्छा, मीट फ्रीक। ओ भाई ओके गाइस, सो या इट्स माय टाइम, आई हैव टू से गुड नाइट टू यू ऑल ऑफ यू अगेन गाइस, थैंक यू फॉर योर अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट, दिस मींस अ लॉट टू मी। ये अप्रिसिएशन जो आप दिखा रहे हो मुझे, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेगा नया नया कंटेंट लाने के लिए। तब तक गाइस क्वारंटाइन का पीरियड है, आपसे दिल से गुजारिश है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि हम लोग घर में सेफ रहे। सो यूज गाइस, आप भी गाइस घर पे रहना, उन लोगों को जो सपोर्ट आपको दिखा रहे हैं आप उसको भी सपोर्ट दिखाइएगा वहाँ पे। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय क्रैंक फैम, स्टे होम स्टे अलाइव एंड स्टे सेफ। आई एम योर होस्ट क्रैंक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। Cross out the ones who heard my cries and watched me weep.